गुड मॉर्निंग नमस्कार सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों मैं करण चौधरी आप सबके लिए लेके आई हूँ आज का डीएनआर आज थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं सॉरी फॉर दिस आ जाइए आप सब जुड़ जाइए अपने सब साथियों को बुला लीजिए हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू देखते हैं आज क्या खास है आज कौन सी कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के सेशन में जानते हैं कि कौन सी कौन सी चीज़ जो है खास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये रिमोट काम नहीं कर रहा है देखते हैं आज की सुर्खियों में क्या क्या है आज की सुर्खियाँ क्या क्या कहती हैं जो हमने तैयार किए हैं देखें दोस्तों प्यार बात बात करते हैं कि जो एडोकल की जो केव्स हैं जो गुफाएं हैं तो उनके ऊपर कुछ बात होने वाली है द हिंदू में एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ थी कि उनके लिए कंजर्व करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है वो पैनल क्या है क्या बात कर देगा आगे देखते हैं पुलिकली ये पुलिकली एक त्यौहार एक प्रकार से जो कि मनाया जाता है एक हमारे भारत के राज्य में देखते हैं इसके अंदर क्या खास है और क्या हो रहा है और कैसे इस बार मनाया जा रहा है वुमेन्स इक्वलिटी डे की मैं बात करूँ वुमेन्स इक्वलिटी डे आपको साउंड आ रही है मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना मेरी आवाज़ क्लियर है क्लास में मेरी हेलो आवाज़ क्लियर आ रही है चलो भाई हाँ वुमेन्स इक्वलिटी डे जो है स्पेशल इशू क्या है देखते हैं इसके हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे देखेंगे वियतनाम के साथ मीटिंग हुई है भारत की इंडिया और रिलेशन जो वियतनाम के हैं इसमें कौन सी चीज़ें हो रही हैं क्या क्या खास है इसके बारे में बात करेंगे आगे देखेंगे कि जो लीबिया में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको लेकर कौन सी न्यूज़ आ रही है उसमें क्या खास है इसके बारे में बात करेंगे आगे देखेंगे कि नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल जो है हमारा एन उसने कितना परसेंट का एम रखा है एक एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए 2024 तक का इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा है इसके बारे में बात करेंगे आगे देखेंगे कि एक्सपोर्ट की जो एक्सपोर्ट है हमारे कंट्री का उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए रिसेंटली नीति आयोग ने एक हमारे देश की एक संस्था है उसके साथ एक इंडेक्स निकाली है बात करेंगे कि इंडेक्स क्या है क्या कहती है आपसे क्या बात करती है आगे देखेंगे एक हमारा एक बहुत अच्छा एक भारत करके एक हमारा श्रेष्ठ भारत करके एक एक स्कीम चल रही है या आप ये कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे एक भारत और श्रेष्ठ भारत अभियान में क्या क्या कौन सी कौन सी चीज़ें खास हैं तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस डी में देखते बात करते हैं पहले एडाइकल गुफाओं में जो अम्बकुथी पहाड़ों में स्थित हैं किस पर्वत श्रृंखला का भाग है आपको बताना है कि जो एडाइकल की गुफाएँ हैं जो कहाँ पर स्थित हैं

ये कहां पर है अंबुकु पहाड़ियों में है अभी जो हैं ये पर है ये ये आपको आंसर देना है ये किस हिल्स का पार्ट है किसका किस, किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है आपके सामने उत्तर है ईस्टर्न घाट का है या वेस्टर्न घाट का है या हिमालयन माउंटेन का है या नन ऑफ दीज का है क्योंकि हम बात करेंगे इसी एडाइकुल की गुफाओं के बारे में इसी एडाइकुल की केप्स के बारे में यही टॉपिक है इसी को डिस्कस करना है अब आपको बताना होगा कि एक्चुअली में ये है क्या और ये कहां पर है पहले आप जल्दी से उत्तर दीजिए ए ए ए बहुत से दोस्तों का वाक ए आ रहा है नहीं ए नहीं आएगा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो सुना होगा जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं वेस्टर्न घाट कहते हैं जो भारत का एक बहुत बड़ा एक जो है हॉटस्पॉट है कैसा जो कि आप देखोगे भारत में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जो पर्यावरण को लेकर बहुत बड़ा सेंसिटिव सा एरिया है और बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण की वहाँ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसे कहते हैं वेस्टर्न घाट तो वेस्टर्न घाट का एक रीज़न है वेस्टर्न घाट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत है और भारत के मैप पर अगर आप देखोगे तो आपको तमिलनाडु से नज़र आएगा वेस्टर्न घाट मैंने कल आपको कवर भी कराया था कि वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में हो गया कर्नाट यहाँ पे कहाँ हो गया केरला में हो गया कर्नाटका में हो गया महाराष्ट्र में हो गया गोवा में हो गया ये गुजरात में हो गया ये पूरा का पूरा क्या एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया वेस्टर्न घाट के अंदर कवर होता है तो उसी वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों पर पर्वत श्रृंखला पर ही वहां पर एक पहाड़ी पड़ती हैं जिसे बोलते हैं अम्बुकुथी पहाड़ी ये अम्बुकुथी की पहाड़ी है उन्हीं में एक एडाइकल गुफाएं पाई जाती हैं अब आपको देखना है कि अम्बुकुथी की पहाड़ी कौन से राज्य में है और कौन सी गुफाएं पाई जाती हैं और न्यूज़ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया कि आज के अखबार में अगर आप देखोगे मतलब आज से पहले ही बता रहा हूं, न्यूज आया था द हिंदू में द हिंदू में एक न्यूज आया था और उसी न्यूज को हमने यहां डिस्कस करने के लिए लग रहे हैं आइए बात करते हैं इसमें अंदर खास क्या है और क्या ऐसा होने वाला है जो इसमें आप जरा फोकस करते हैं इस पॉइंट के ऊपर देखिए चलिए करंट डेवलपमेंट क्या न्यूज आया करंट में करंट में न्यूज के बारे में बात करते हैं रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूट नाइन मेंबर एक्सपर्ट कमेटी टू कंडक्ट अ डिटेल्ड स्टडी ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ एडाइकल कैप्स बहुत सिंपल सी बात है मेन मुद्दा यह है अब ये जो केप्स हैं ये जो गुफाएं हैं ये जो गुफाएं हैं इन गुफाओं की इन गुफाओं के बारे में डिटेल कर, स्टडी करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है एक समिति बनाई है जिस समिति के अंदर कितने सदस्य हैं मेरे प्यारे साथियों नाइन मेंबर कमेटी को बनाया गया है नाइन मेंबर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अब आपके मन में सबसे पहले विचार आएगा कि सर ये गुफाएं हैं क्या यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो चलो नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा होगा बेसिकली एक गुफाएं हैं एक मतलब केव्स हैं और ये केव्स ना बहुत ज्यादा इसमें भारत जो हमारा इंडिया में या फिर कहोगे ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ है उसे कुछ चित्र इसमें आपको दिखाई देंगे तो बात करेंगे पुरा पाषाण पाषाण इसमें कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं तो चलो पहले टॉपिक को देख लेते हैं उसके बाद इन चीजों को आगे डिस्कस करेंगे अब आपकी समझ में आया कि एडाइकल की गुफाएं क्यों चर्चा में थी तो एडाइकल की गुफाओं के लिए क्योंकि इन गुफाओं में क्या है खास है इनकी डिटेल स्टडी करने के लिए सरकार ने क्या बनाया है एक पैनल बनाया एंड स्टेप नीड्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्चुअली इन गुफाओं में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है या माइनिंग की जा रही है या अर्बनाइजेशन किया जा रहा है मतलब शहरीकरण किया जा रहा है इस शहरीकरण वगैरह के लिए या इलीगल माइनिंग के लिए जो रोकने के लिए इस इलीगल माइनिंग को या कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए इस नाइन पैनल मेंबर को गठित किया गया है जो कि बात करेगा जो कि पूरी डिटेल स्टडी करेगा डायकल की पहाड़ियों के बारे में देखो अब ये कहाँ पर है ये आपको बताना है देखो ये डायकल की जो पहाड़ियां हैं ये अम्बुकोथी हिल्स एक जगह पड़ती है मतलब एक छोटा सा एक पहाड़ी एरिया है ये कहां पर है वेस्टर्न घाट का पार्ट है बिल्कुल आपको यहां तक पता है मैं बता चुका हूं और ये पड़ता है कहां पर एक जि, एक जिला एक आ, हमारा राज्य केरल और केरल का एक वायनाड डिस्ट्रिक्ट है जा आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो है वायनाड डिस्ट्रिक्ट में चुनाव बुनाव भी लड़े थे उसी केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में ये अडाइकल की पहाड़ियां हैं तो अब आपसे प्रश्न सिंपल सा पूछा जा सकता है जो अगर आपको वनडे के लिए देखना हो तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि अडाइकल जो केप्स हैं या इडाइकुल की पहाड़ियां जो हैं ये कहां पर हैं तो आप बताओगे अम्बुगुत्थी पहाड़ों में ये अम्बुगुत्थी पहाड़ी पहाड़ जो है किस पर्वत श्रृंखला की रेंज है तो आप बताओगे वेस्टर्न घाट के अब आपसे आप पूछा जा सकता है कि अम्बुकुथी पहाड़ी जो है ये किस राज्य में है तो आपका आंसर होगा कि सर ये केरला राज्य में है बड़ी सिंपल सर ये केरला राज्य में है अब आपसे पूछा जा सकता है कि केरला के कौन से जिले में है तब आपका उत्तर होगा कि सर वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो है सर वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये इस वायनाड जिला के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं ये एक इंपॉर्टेंट सा न्यूज हो गया जो कि हमने बेसिक कवर किया अब इसके बारे में देखते हैं डिटेल्ड में डीएनआर करते हैं इसका कि इसमें डिटेल्ड में एक्चुअली क्या है और 360 सिक्सटी अप्रोचेस को देखते हैं कि अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी जिसको आपको जानना होगा देखो ये एक्चुअली ये जो गुफाएं हैं इन गुफाओं में नव पाषाण काल की इन गुफाओं में नवपाषाण काल की बात करोगे नियोलिथिक जो एज है इस न्योलिथिक एज के या न्यू स्टोन एज के इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इनमें क्या है बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी बहुत सारे चित्र मिलते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो न्योलिथिक एज को सेटिस्फाई करती हैं और उसके कुछ पर उसके कुछ यहाँ पर कुछ आपको बहुत सारे जो है ऐसे चित्र वगैरह दिखाई देते हैं जिसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे तब तब ऐसे ऐसा हुआ होगा तो नियोलिथिक पीरियड के लिए नवपाषाण काल के लिए ये जो गुफाएं हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए इनमें बहुत सारी चीजें वहां दिखाई देती हैं अब बात करेंगे इसके बारे में देखो यह लेट नवपाषाण काल के उत्कीर्ण है केरल में वास्तविक नवपाषाण संस्कृति के अस्तित्व को एकमात्र प्रणाम है मतलब जो केरल में नवपाषाण जो संस्कृति है नवपाषाण काल जो आया उसका एक सिंगल प्रमाण जो आपको देखने के लिए मिलता है वही एडाइकुल की पहाड़ियों में इलाइकुल की गुफाओं में देखने को मिलता है केरल में ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो बात समझ में आ गई अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है तो इनका इंपॉर्टेंस न्यूलिथिक एज के बारे में बस इतनी सी बात है तो यहां क्या हुआ ये टॉपिक क्लोज हुआ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया अब बात करते हैं कि न्योलिथिक एज है क्या या न्यू टेन एज जिसे आप जानते हैं नव पाषाण काल कहते हैं इसको हिंदी में नव पाषाण काल नवपाषाण काल अब आपने पाषाण काल को पढ़ा होगा अगर आपने पाषाण काल को पढ़ा होगा स्टोनेज तो को पढ़ा होगा तब तो आपको पता होगा कि पाषाण काल को कैसे कैसे करके बांट लेते हैं अब उसी में नवपाषाण काल नवपाषाण काल जो है न्यूलिथिक जो एज है इसको माना जाता है कि जो हुमन human है हुमन ने खुद को क्या सेटल करने की एज है मतलब जो ह्यूमन बीइंग है जो मानव है इस काल में आके मानव क्या हुआ था सेटल हो गया था मतलब पहले क्या हुआ करता था कि मानव घुमक्कड़ी किया करता था घुमक्कड़ी किया करता था नॉर्मेडिक हुआ करते थे लेकिन इस एज में आने के बाद ह्यूमन बीइंग क्या हुआ सेटल हो गया था मेरे प्यारे साथी गुड मॉर्निंग सर जी फ्रेंड दोस्त क्लास को शेयर करो अपने सभी दोस्तों को बताओ भाई सबको बुला लो एक बार क्योंकि यहां से हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं चीजों की मैंने क्या क्या अब ये सेटल हो गया था तो यहां से ही एग्रीकल्चर मतलब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि न्यू स्टोन एज में या तो आपका आंसर होगा कि सर यहाँ पर नाषण काल में सिंपल सी बात है यहां पर खेती करना मनुष्य ने शुरू कर दिया था खेती करना क्योंकि अगर यूपीएससी प्रश्न आपसे पूछेगी तो अगर ये मान लो ये पहाड़ियां अगर जो है ये चर्चा में है तो हो सकता है इन पहाड़ियों का अस्तित्व जो है वो किस वजह से है नवपाषाण काल की वजह से है तो आपसे सीधा नवपाषाण से प्रश्न पूछ सकते हैं यूपीएससी कि इनका मतलब क्या था न्यूलिथिक लिथिकेज में स्टार्टिंग एग्रीकल्चर यहाँ से मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था और मूविंग फ्रॉम नॉर्मेडिक तो जो इंसान जो पहले घुमक्कड़ी किया करते थे नॉर्मेडिक हुआ करते थे उससे क्या हुआ सेटल्ड लाइफ मतलब एक जगह रहना शुरू कर दिया था एक जगह रहना एक जगह रहना ये शुरू कर दिया था और यहीं से जो है परिवारवाद का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से शुरुआत हो जाती है ठीक है यहाँ से देखोगे कि पहिए की खोज कर ली रागी की खोज कर ली व्हील की मतलब वीट की खोज कर ली जो हमारा जो अनाज है और जो घोड़े वगैरह हैं इन सब की यहाँ पर जो है इन सब को यहाँ पर चीज़ों की खोज हो गई थी ठीक है ये आग लगाना भी सीख गए थे आग जलाना भी सीख गए थे मतलब यहाँ से ही इसी एज में आग जलाना सीख चुके थे ये भी आपको याद रखना होगा ठीक है और यहाँ से बहुत सारी चीजें हुई डांस हुआ पोट्री बनाना सीख गए थे ठीक है इनसे यहाँ से उन्होंने बहुत सारे काम कर लिए थे अब आप देखोगे न्योलिथिक एज की कि ना काल की अगर आपसे पूछा जाए कि जिसमें से एक जो है इनमें से एक जो है मैंने आपको बताया कि जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे जिसको हम समझ रहे थे कि डायकल की पहाड़ियां जो हैं इसमें से एक साइट है तो आपसे और भी साइट पूछी जा सकती हैं जो काफी काफी फेमस हैं जैसे चिरांड बिहार की बहुत फेमस साइट है और इसके बाद देखोगे आप तो मेहरगढ़ मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में मेहरगढ़ बहुत फेमस है पाकिस्तान की बहुत ही आ, बहुत ही मेहरगढ़ जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो कि नव पाषाण काल की सबसे फेमस साइट जो माना जाता है मेहरगढ़ को माना जाता है काफी काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है मेहरगढ़ है ठीक है बुरजा होम बुरजा होम जो है इसको आप देखोगे कश्मीर की है जो है बुर्जा होम के नाम से जानते हैं बुर्जा होम कहते हैं इसको कश्मीर में यहाँ कुत्ते के साथ मानव का कंकाल मिला था कि मानव ने जो कुत्ता पालना शुरू कर दिया था उसकी जो एक जो यहाँ से यहीं से एक प्रमाण मिलता है कि मनुष्य तो ने क्या कर दिया था कुत्ता पालना शुरू किया था तो पैट जो है डॉग जो है पेट एनिमल में कन्वर्ट हो गया था यहीं से आप देखोगे तो ये कश्मीर की एक साइट है यहाँ पर आपको कह है सकते हैं बुर्जा होम हाँ में यहाँ मनुष्य ने कुत्ता पालने का अवशेष आपको दिखाई देगा कुत्ता पालने वाली बात क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पर एक स्केलेटन मिला था ह्यूमन बींग का और डॉग का दोनों एक साथ सो रहे थे या ऐसे एक साथ करके मिला तो यहीं से लोगों ने कहा कि डॉग जो है ये कैसा है ये एक पालतू जानवर बन चुका है ये जो है दाउज जो है ये भी फेमस है त्रिपुरा शाम में पड़ती हैं तो ये कुछ कुछ साइट हैं हलूर हलूर की आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं ये कुछ कुछ साइट हैं जो बहुत फेमस है नब पासाण गालगी आप इन पर एक बार नज़र डाल लोगे इनको एक बार पढ़ लोगे और मेरा मानना है कि मेहरगढ़ को तो आप ज़रूर पढ़ लेना मेहरगढ़ जो है ये बहुत ही फेमस है आप इसको ज़रूर एक बार देख लेना ये आपके काफ़ी काम आ सकती है तो ये एक टॉपिक हो गया हमारा जिसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया अभी आगे देखो देखो अब आगे थोड़ा देख लो कि आगे इसमें क्या होने वाला है अब सरकार इसमें क्या करने वाली है अधिकारियों ने गुफाओं को यूनेस्को की विश्व दरोड़ स्थल में रूप में लेवल करने के लिए देख रहे थे ताकि साइट को संरक्षित किया जा सके कोशिश की जा रही है कि जो ये जो गुफाएं हैं इनको क्या कर सकें यूनेस्को में शामिल किया जा सके यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने की बात यहाँ पर चल रही है हाल ही में सरकार ने एडाकुल गुफाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए नौ सदस्य विशेषज्ञ मैंने आपको बता दिया ये बाइलेंगल स्लाइड है आपको यहाँ मिल रही है जिससे क्या कर सको कि आप बाइलेंगल चीज़ों को यहाँ पढ़ सको

रॉक मैकेनिज्म वगैरह वगैरह के जो एक्सपर्ट है जियोलॉजिकल रॉक मैकेनिज्म वगैरह के वो इसमें क्या करेंगे अभी वो इन चीजों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है ये एक टॉपिक था चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे लड़ते हैं पुलिकली ठीक है पुलिकली इज अ पार्ट ऑफ ओनम आप जानते हैं ओणम का एक त्यौहार मनता है सेलिब्रेशन इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट पुलिकली उत्साह ओणम पर्व का एक भाग है यह किस राज्य में मनाया जाता है अब आपने ये तो सुना होगा आप जानते भी होंगे कि ओणम क्या होता है ओणम क्यों मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पुलिस काली उत्साह जो ओणम पर्व का एक त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है रिसेंटली इसको लेकर चर्चा चली है और इसको बताना है सर यूपी स्पेशल बिहार करा दो यूपी स्पेशल भी करा दो भाई यूपी स्पेशल कराएंगे इनकलाफ जिंदाबाद आप टेंशन ना लो यूपी स्पेशल को मैं कराऊंगा आपको कहीं ना कहीं आप टेंशन ना लो आप थोड़ा सा बस धैर्य रखो भाई और जल्दी से प्रश्नों का उत्तर दो सैलन तिवारी बी अभिमन्यु जी बी बोल रहे हैं सैलिन तिवारी जी सी बोल रहे हैं जल्दी से उत्तर दीजिए भाई सी बी सी आपको बताना है कि पुलिकली जो उत्साह ओडम पर्व का एक भाग है ये किस राज्य में मनाया जाता है आप सब सोते रहते हैं मुझे लगता है थोड़ा शेयर किया कीजिए सारे दोस्तों को शेयर कर दो सबको बुला लो यहां पर जितने भी आपके फ्रेंड हैं प्लीज शेयर टू ऑल मेरे प्यारे दोस्तों सबको बताओ सुबह सात बजे की क्लास है काफ़ी मेहनत करके बनाई होती है क्लास और काफ़ी ढूंढ ढाढ़ के आपके लिए न्यूज़ लेके आता हूं क्योंकि एक समय ये मान के चलिए कि अगर किसी को फॉलो करो और ऐसे न्यूज़ देखो तो कचड़ा चीज़ें मिलती हैं कचड़ा तो एक बात समझ लो कि इन न्यूज़ को बनाने के लिए कि द हिंदू में से या यूपीएससी के लिए क्या पूछा जा सकता है यकीन मानो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि यूपीएससी का बहुत अलग ओरिएंटेशन होता है और ये मसाला ये वो ये चाय पकौड़ा ये सब नीचे उसमें पूछा जाता उसका एक, एक अलग कॉन्सेप्ट होता है तो बड़ा ढूंढ के काम करना पड़ता है कुछ न्यूज़ आज आई कुछ न्यूज़ कल आई तो उसको मिक्स करके तैयार किया जाता है आपके लिए तो आप जोरदार शेयर किया कीजिए ताकि मेरी भी जो मेहनत है मेरे प्यारे दोस्तों आ, ये क्या करे ये थोड़ा सा काम आए चलो भाई पुलिकली उत्साह ओणम का पर्व एक भाग है यह किस राज्य में मनाया जाता है आप सभी जानते हैं कि ओणम का जो त्योहार है ये केरला में मनाया जाता है तो इसका उत्तर क्या होगा बी होगा क्योंकि बहुत प्रश्न आसान था अब हमें डिस्कस क्या करना है कि अब इसको लेकर क्या बात चल रही है कि पुलिकली उत्साह में अब क्या होने वाला है रिसेंट डेवलपमेंट रिसेंट डेवलपमेंट का हमेशा मीनिंग होता है कि न्यूज में क्या चल रहा है ये यहां पर जो पॉइंट है ये न्यूज को लेकर है कि न्यूज में क्या चल रहा है समाचार में क्या आया हुआ है समाचार को लेकर पॉइंट होता है हर स्लाइड में आपको मिलेगा देखो पोलिकली इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ ओणम सेलिब्रेशन इन देखो अब क्या होता है कि जो जो कर, पुलिकली है यह कैसा है यह कलरफुल पार्ट है किसका ओणम सेलिब्रेशन का मतलब ओणम एक त्यौहार है जो केरल में मनाया जाता है इसी केरल के त्यौहार का एक कलरफुल सेलिब्रेशन पार्ट है बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ओणम का फेस्टिवल है ये मनाया जाता है अगस्त सितंबर के महीने में और इसी फेस्टिवल के अंदर क्या होता है एक 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 इसी फेस्टिवल के अंदर एक इवेंट जैसा आता है जिसे आप किस नाम से जानते हो जिसे आप पुलिकली के नाम से जानते हो इस बार ये जो आयोजित किया जाएगा इस बार जो आयोजित होगा ये कैसे होगा ऑनलाइन होगा ये कहा गया है कि इस बार जो त्योहार जो आयोजित होगा ये कैसे होगा ऑनलाइन होगा मतलब इस बार जो इवेंट होगा ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा ये एक मेन पॉइंट है कि जो पुलिकली वाला जो है पुलिकली जो ओणम का जो एक पर्व का भाग है ये कैसे होगा इस बार ऑनलाइन कंडक्ट होगा देखो इसमें होता क्या है थोड़ा सा समझ लो बिकॉज ऑफ कोविड नाइनटीन बोला कि कोविड 19 की वजह से ये इस बार ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है ये एक मेन इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर आती है क्योंकि आप ये जानते हैं कि इस समय ज्यादातर जो फेस्टिवल्स हैं उन पर रोक लगाई गई है और ये बहुत मनोरंजक है इसमें एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं इसमें लोग शेर का जैसा एक रूप धारण करते हैं और मैं पूरा बताऊंगा आपको थॉरोली समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा त्यौहार होता है इस बार कहा है कि इसको कैसे मनाया जाएगा इसको हम सेलिब्रेट करेंगे ऑनलाइन इसका सेलिब्रेशन होगा तो पहले जानते हैं कि ऐसे है, है है, है और भी एग्रीकल्चर फेस्टिवल के पुलिकली केरल राज्य में एक मनोरंजन लोक कला है लोक कला मुख्य रूप से केरल के त्रिशूर जिले में प्रचल जो है प्रचलित है केरल का एक जिला है जिसे बोलते हैं त्रिशूर त्रिशूर जिले में जनरली जो है ये जो लोक कला है ली ये ज्यादा प्रचलित है ऊपर भी लिखा हुआ है कि त्रिशूर जिले में क्या है बहुत ज्यादा प्रचलित है यह प्रशिक्षित कलाकारों के द्वारा ओणम के अवसर पर ओणम जो त्योहार है त्योहार का नाम क्या है ओणम है ये आप अच्छे प्रकार से याद रखना त्योहार का नाम ओणम है और इसी का एक पर्व है इसी के बीच का एक पार्ट है लोगों के मनोरंजन करने के लिए किया जाता है जो मुख्य रूप से केरल में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है बेसिकली जो ओणम होता है एग्रीकल्चर ओरिएंटेड क्या है एक त्योहार है जैसे आपने देखा होगा कि लोग क्या मनाते हैं लोहरी मनाते हैं बैसाखी मनाते हैं उसी प्रकार से आप देखोगे कि ओणम एक फेस्टिवल है जो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है और एक एग्रीकल्चर का सेलिब्रेशन है जैसे मैंने कल भी आपको पढ़ाया कल या परसों मैंने पढ़ाया होगा कि राइस की नई फसल आने पर भी एक त्यौहार मनाया जा रहा है तो जनरली इंडिया में जब फसलों का उत्पादन होने के बाद तो उस समय कुछ त्योहारों का सेलिब्रेशन किया जाता है उसी का एक पार्ट है ओणम ओणम समारोह नालम ओणम कि चौथे दिन कलाकारों को उडुकी और थकल जैसे बाद यंत्रों के बीट्स पर चमकादार पीले लाल और काले काले बाघों की भेषभूषा जो है पहनाई जाती है बेसिकली क्या होता है कि ओणम त्यौहार जो होता है उसी में ये जो मनाया जाता है पोलिकली इसमें क्या होता है कि लोगों को बाघ वगैरह की जो है क्या पहनते हैं बाघ की जैसे शेर जो होता है या बाघ जो होता है उसकी एक ड्रेस जैसी पहनते हैं और ये कहा जाता है कि एक टाइगर हंटिंग जैसा कुछ इसमें होता है मतलब जैसे शेर का शिकार कर रहे हो ऐसे इसका सेलिब्रेशन किया जाता है अब मैं आपको बताता हूं polykali, देखो polykali का मीनिंग मतलब होता है इस त्योहार का मतलब होता है इसका एक शाब्दिक अर्थ है कि प्ले ऑफ द टाइगर टाइगर के साथ खेलना ये आपको याद रखना है एक चीज मत भूल जाना ये त्रिशूर जिला जरूर याद रखना क्योंकि यूपीएससी कभी कभी ऐसे प्रश्नों को पूछ भी लेती है क्योंकि बहुत ओरिएंटेड हो जाती है वो किसी पॉइंट की तरफ और तब क्या होता है कि हम सिंपल चीज़ों में रह जाते हैं तो ये याद रख लेना आप ये तो नहीं पूछेगी कि प्ले ऑफ द टाइगर इसका नाम है पर आप याद रखोगे प्ले ऑफ द टाइगर हेंस द परफॉर्मेंस जो होती है ये रिवॉल्व करती है अराउंड द थीम ऑफ द टाइगर हंटिंग मैंने पहले आपसे कहा कि टाइगर का जो हंटिंग होता है टाइगर का जो शिकार होता है उसके आसपास इसकी पूरी थीम घूमती है लोग क्या करते हैं शेर के कपड़े पहनते हैं शेर के कपड़े टाइगर कपड़े जैसे पहनते हैं और एक आगे भागते हैं कुछ उसके पीछे भाग रहे होते हैं और कलरफुल ड्रेस धारण करते हैं ये इमेज आपको कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है तो देखो आप देख सकते हो आप देखोगे तो ये जो शेर जैसा रूप धारण किया हुआ है, नीले कलर का पीले कलर का और इस प्रकार से जो है इस त्यौहार का सेलिब्रेशन किया जाता है ये आपको याद रखना है ये आपको जानना होगा यह आपको पुलिकली जो त्योहार है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रिशूर बाई सम जो था एक एक राजा हुआ करता था केरल का सक्थन कहते हैं इसको सक्थन भी कहते हैं या सक... की शक्तिम लिखा मिलेगा आपको इसके द्वारा क्या किया गया था इसको इस त्यौहार को शुरुआत की गई थी अब ओणम का फेस्टिवल क्या है ओणम का फेस्टिवल क्या है ये आप जान लो क्योंकि इसी का एक क्या है इसी का एक हिस्सा है तो ओणम का फेस्टिवल क्या होता है या जिसे ओणम कहते हैं इसका फेस्टिवल क्या होता है ये थोड़ा सा आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें एवरी ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर मैंने आपसे पहले कहा कि हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में ये फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे ओणम कहते हैं सेलिब्रेटेड अक्रॉस केरला एंड जहां भी मलयाली रहते होते हैं उन मलयालियों के द्वारा पूरे भारत देश में इस त्यौहार को मनाया मनाया जाता जाता है है जिसे आप ओनम कहते हैं जनरली कौन से महीने में, में जाता है? अगस्त और सितंबर के महीने में इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज वन ऑफ द मेजर एनुअल फेस्टिवल्स इन केरला मैंने आपसे क्या कहा हार्वेस्ट फेस्टिवल का मीनिंग है कि यह फसल का एक फसल का फेस्टिवल है और यह केरला के

इन uh, केरल में टाइगर डांस जो है ये इस त्यौहार के दिन कराया जाता है दूसरा एलोवेटेड फ्लावर के द्वारा सजावट की जाती है और मास्क पहन के लोग डांस करते हैं मास्क डांस जिसे कहते हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ओणम के फेस्टिवल पर कंडक्ट कराई जाती हैं तो प्रश्न यहाँ पर यह बन सकता है कि ओणम का फेस्टिवल कहाँ मनता है कब मनाया जाता है इसका एक पार्ट क्या है ये इसे ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है ये क्यों फेमस है बस ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं और कभी अगर यूपीएससी ओरिएंटेड हुई तो पूछ सकती है कि बताओ कि कौन से ज़िले का लोक कला है कौन से ज़िले की फोक आर्ट है ये स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ सकता है तो केरल के त्रिशूर जिले की जो है मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं जब आप एग्जाम दोगे तो यकीन मानो इस करंट अफेयर्स में से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं मैं बहुत श्योर हूं इस चीज़ को लेकर हंड्रेड परसेंट डैम हूं मैं देखो अदर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इन इंडिया भारत में और कौन से फसल के त्यौहार होते हैं भाई मकर संक्रांति मकर संक्रांति आपने सुना होगा मकर संक्रांति हिंदुओं का त्यौहार है हिंदुओं का त्यौहार है और सूरज के अकॉर्डिंग से मनाया जाता है कि जो सन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर से नीचे जाता है ट्रॉपिक और कैप्रिकॉन की तरफ चला जाता है तो मकर संक्रांति मनाई जाती है तो मकर संक्रांति का त्यौहार है जो हिंदुओं में बहुत फेमस है आप सब जानते हैं हमारे यूपी में बिहार में और ज्यादातर जो एरिया हिंदू की मेजोरिटी है वहां मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और ये पवित्र दिन के नाम से जो फेमस होती है मकर संक्रांति बैसाखी बैसाखी का सेलिब्रेशन किया जाता है ये ये ढोल और भांगड़ा के द्वारा पंजाब का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है बैसाखी तो आपसे पूछ सकता है कि ये सब कैसे देखो ये सब जो मैं बता रहा हूं ना ये सब कैसे है? ये सब सब फेस्टिवल मतलब ज्यादातर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड फेस्टिवल है जो जनरली मनाए जाते हैं ये सारे के सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया है मतलब भारत में ज़्यादातर जो खेती होती है या फसल से संबंध कह सकते हो कि फसल जो होती है फसल से संबंधित जो हैं ये सारे के सारे ऐसे भारत में मनाए जाने वाले जो हैं ये त्योहार हैं इनको आप अच्छे प्रकार से याद रखोगे और थोड़ा समझ लोगे देखो लद्दाख का फेस्टिवल है लद्दाख के हार्वेस्ट फेस्टिवल जो होते हैं बुद्धिस्ट के ट्रेडिशन इस पर लद्दाख में भी बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं लोहरी लोहरी कहाँ का है ये पंजाब का फेस्टिवल है तो इसे लोहरी कहते हैं या लोहड़ी कहते हैं तो लोहरी का फेस्टिवल जी बड़ा फेमस है ये भी कहाँ होता है ये भी पंजाब में होता है आपने लोहड़ी के बारे में सुना भी होगा बसंत पंचमी बसंत पंचमी जो है ये सरस्वती माँ के उस पर जो जन्म है उस पर बसंत पंचमी मनाई जाती है तो बसंत पंचमी एक प्रकार से बहुत फेमस त्यौहार है ये भी ज़्यादातर यूपी में बिहार में एमपी में राजस्थान में बसंत पंचमी का त्यौहार जो है सेलिब्रेट किया जाता है तो ये मेज़र हार्वेस्टेड जो है मेजर हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स इन इंडिया है जनरली इनका जो संबंध होता है ये कहीं ना कहीं फसल के साथ रहा रहा होता है या इसका कोई कॉन्टेक्ट जो है फसल के साथ होता है ये एक बेसिक सा पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि कौन सी कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं सर पाँच बजे बाईफाई यूपीएससी पर होती है कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पॉलिटी का क्लास टू पर डेली होगा क्या प्रशांत कुमार जी डेली होगा आपको क्लास डेली लेनी है टू जीरो पर और बाईफाई स्टडी यूपीएससी पर क्लास की टाइमिंग है पांच बजे दोनों में एक अंतर है बाईफ स्टडी यूपीएससी पर मैं जो भी कंटेंट पढ़ाऊंगा वो ओनली यूपीएससी के लिए होगा मतलब ओरिएंटेड होगा ज्यादातर उसमें सत्तर अस्सी और जो बाईफ स्टडी टू पर जो कंटेंट कराऊंगा वो जनरली वनडे एग्जाम्स को लेकर ओरिएंटेड होगा तो यूपीएससी वाले में आपको वही मिलेगा जो आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो जैसे मैंने प्रेमबल कराई करा तो यूपीएससी वाले चैनल पे प्रेमबल जो है वो थोरो चलेगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं शामिल करने वाला हूँ और अगर आप हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हो ना इफ़ यू आर अयरिंग यूपीएससी हिंदी मीडियम से अगर आप अपियर कर रहे हो यूपीएससी में तो मेरी क्लास एक भी मिस मत करना मैं सीरियसली बता रहा हूँ क्योंकि कंटेंट जो होता है इंग्लिश मीडियम में बहुत अवेलेबल है लोग उसको बोर्ड पे छाप लेते हैं और पेन से उसे रगड़ते रहो लेकिन या उसे टैब से उसमें लेकिन हिंदी मीडियम में बहुत सी चीजें कम अवेलेबल है हैं तो एक बार आप ज्यादातर कोशिश करना है क्लास सारे अटेंड करो चलो भाई आगे देखो वुमेन्स इक्वलिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे महिला समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है आपको उत्तर देना है कि भारत में या कहीं पर भी क्योंकि ये तो वर्ल्ड का डे है तो महिला समानता दिन महिलाओं की समानता इक्वलिटी जो है वुमेन्स इक्वलिटी डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया था है आप आपको उत्तर देना है जल्दी से आंसर दीजिए आपके पास मात्र समय है मैं आपको समय दे रहा हूँ मात्र तीस सेकंड का अभिमन्यु जी गाय शेयर एंड ऑल लाइक कुछ अच्छे बच्चे इस क्लास में जो हमेशा शेयर कराते रहते हैं लाइक कराते रहते हैं इनमें से एक अभिमन्यु हैं प्रशांत कुमार तो भी आए हुए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं और दो तो तीन बच्चे हैं सब बड़े बड़े खास हैं। आज दिखाई नहीं दे, कमलेश हो गया बहुत शेयर वगैरह पर जय सिंह यादव हमेशा हर क्लास को मिस नहीं करते किसी भी क्लास को हमेशा क्लास में रहते हैं छब्बीस अगस्त आंसर दे रहे हैं ये छब्बीस आंसर कमलेश जी भी दे रहे हैं अभिमन्यु जी छब्बीस अगस्त आंसर दे रहे थे चलिए देख लेते हैं भाई इसका आंसर सही है छब्बीस अगस्त ही होगा इसका आंसर क्या होगा छब्बीस अगस्त अब बात करते हैं कि महिला दिवस मनाया क्यों जाता है इस महिला दिवस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया जरा इसके बारे में थोड़ी सी बात और थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर ली जाती है देखो वुमेन्स इक्वलिटी डे रिसेंटली चर्चा में था छब्बीस अगस्त अब देखो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर ग्रीटेड इंटायर वुमेन कम्युनिटी ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स इक्वलिटी डे देखो इन्फॉर्मेशन जो हमारे मिनिस्टर हैं ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो है प्रकाश जावेदकर इन्होंने पूरी महिला समाज को क्या दिया है ग्रीटिंग्स दी है और कहा है कि आप सबको वुमेंस इक्वलिटी डे की पहले से बधाइयाँ इन्होंने अब यहाँ पर दे दी ठीक है अब देखो ये जो है हंड्रेड एनिवर्सरी ऑफ वुमेन्स इक्वलिटी डे बींग ऑब्जर्व इन द यूनाइटेड स्टेट्स देखो यह दिवस अब इसे क्यों मनाया जाता है इसकी सोमी जो है वर्षगांठ है अब देखते हैं उस सौमी वर्षगांठ को क्या हुआ था इसको स इक्विटी डे इज बिंग ऑब्जर्व इन स्टेट्स, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया था देखते क्या होता है यह दिवस अमेरिका में महिलाओं की मतदान का संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए उपलक्ष्य मनाया जाता है एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जो देश है अमेरिका देश में एक संशोधन हुआ था उन्नीस में उस संशोधन में यह किया गया था कि जो महिलाएं हैं महिलाओं को जो वोट डालने का अधिकार नहीं है जो अडल्ट फ्रेंचाइजी महिलाओं के पास नहीं मिली है तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया था इस दिन 26 अगस्त को महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था अमेरिका में यूएसए में और उस अमेरिका में अधिकार को देने के बाद ये हुआ कि जो महिलाओं को लेकर एक दिवस बन गया बाद में आगे चल के इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ यू एन ने बाद में से ऑब्जर्व किया तो आप देखोगे यह दिवस अमेरिका में महिलाओं के मतदान का संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है मैंने आपसे क्या कहा कि जो अमेरिका है अमेरिका देश में जो विमेन्स पार्टिसिपेशन है या महिलाओं का जो मतदान का अधिकार महिलाओं को मिला था उसके अपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है तो ये एक्चुअली 1920 की बात है जब यहां अमेरिका में ऐसा हुआ था लेकिन बाद में इसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया किया देखते से कब अमेरिकी संविधान संविधान संशोधन नागरिकों के लिंग आधार पर मतदान के अधिकार को वंचित करने पर रोक लगाता है इंडियन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का उन्नीसवा नाइनटीन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उन्नीस मां और हुआ था उन्नीस में उस अमेंडमेंट के बाद यह हो गया था कि महिलाओं को भी महिलाओं का जो अत्याचार हो रहा था महिलाओं के साथ अन थी कि महिलाएं जो वोट नहीं दे सकती हैं उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी यूएसए में और उसी के बाद यह कहा जाता है कि महिलाओं को इक्वलिटी का अधिकार दे दिया गया तो उन्नीसवां संविधान जो संशोधन है ये अमेरिका का ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये इसको किया गया था उन्नीस में इस संविधान संशोधन को किया गया था उन्नीस में और इसके बाद आप देखोगे इसके बाद आप देखोगे कि इसके बाद जो है

थी जो मैंने आपको पहले बता दी इट इज अ प्रोक्लेम्ड ईच ईयर द प्रेसिडेंट ऑफ दूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर दैट इवेंट यूएसए बिकम कंट्री विद यूनिवर्सल अटल फ्रेंचाइजी बड़ी सिंपल सी बात है उन्नीस बेहतर से आप देखोगे हर साल अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या हुआ इसको मनाना स्वीकार कर दिया क्योंकि उसे 26 अगस्त को क्या हुआ था 1920 में महिलाओं को अडल्ट फ्रेंचाइजी आप ये कह सकते हैं कि उनको क्या हुआ था कि महिलाओं को जो वोट डालने का अधिकार है या वयस्क मताधिकार जो है इस वयस्क मताधिकार के लिए ये जो है फेमस है और वयस्क मताधिकार में महिलाओं को जो अधिकार वोट डालने का उसके वजह से इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड टू इनक्रेज टू इनकेज स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स इंपावरमेंट अब देखो वुमेन्स इक्वरिटी डे जो है इस समय सारे देशों में मनाया जा रहा है सारे देशों ने इसको ऑब्जर्व किया है टू इनकरेज मतलब महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और महिलाओं के बारे में अवेयरनेस और वुमेंस एम्पावरमेंट करने के लिए मतलब महिलाओं के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए और उनको एम्पावरमेंट करने के लिए महिला सशक्तिकरण करने के लिए इसके लिए इसे अपनाया जाए यही इसका एक मेन रीज़न है यूनिवर्सल एल्ड फ्रेंचाइजी के बारे में बात की जा रही है सार्वभौमिक जो आप West Universal franchises means that the right to vote should be given to all adult citizens without discrimination. ऑफ़ कास्ट क्लास कलर रिलीजन जेंडर इट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी विच इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी देखो यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी क्या होती है बेस्ट मताधिकार होती है इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है आप ये जानते हैं कि भारत में भी आप देखते हो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है और इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि किसी भी देश में जो वर्तमान की डेमोक्रेसी है या लिबरल डेमोक्रेसी है या जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट में किसी भी ऐसे कंट्री को जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है या जहां पर डेमोक्रेसी है उन स्टेट को अपने यहाँ के लोगों के लिए इक्वलिटी मेंटेन करनी चाहिए और इक्वलिटी के कई सारे प्रिंसिपल हैं। इक्वलिटी के कई सारे प्रिंसिपल हैं, क्योंकि जस्टिस और इक्वलिटी दूसरे दो से दोनों जुड़ी हुई हैं। तो कई सारे प्रिंसिपल हैं तो इक्वलिटी जो है उसमें आप देखोगे कि अगर राजनीतिक समानता आप नहीं दोगे पॉलिटिकल इक्वलिटी आप नहीं दोगे तो कंट्री में क्या होगा कि डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाएगी तो अडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग होता है यहां पर कि किसी भी कंट्री में वहां के सारे नागरिकों के लिए उनकी कास्ट को उनके कास्ट के आधार पर रिलीजन के आधार पर लैंग्वेज के आधार पर जेंडर के आधार पर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए मतलब जनरली क्या होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी उसकी जाति उसके धर्म उसकी भाषा उसका जन्म स्थान इन सब के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबको इक्वल राइट टू वोट प्रोवाइड करना यही एडल्ट फ्रेंचाइजी सबको इक्वल राइट टू वोट फ्रेंचाइज प्रोवाइड करना यह पहले कम हुआ करती थी पहले सार्वभौमिक नहीं थी क्योंकि पहले यह माना जाता था उसी समय थे जब सोक्रेटिस हुए 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 प्लेटो वे, इन्होंने कहा था कि विमेंस जो होती हैं कैपेबल नहीं है इनको जो राइट टू बोर्ड का अधिकार नहीं दिया गया था बाद में धीरे 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 सारे कंट्रीज ने राइट टू वोट टू वुमेन देना देना शुरू कर दिया और ये चीज जो है आगे बढ़ती चली गई इसी को लेकर यूएसए ने भी ये काम किया था तो ये जो है आपको बताया जा रहा है भारत में देखोगे इन इंडिया द आर्टिकल 326 डिफाइन अ यूनिवर्सल फ्रैंचाइजी भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा होती है और 324 से 329 के बीच में आपको आर्टिकल्स मिलेंगे आप आर्टिकल 326 घर जाके पढ़िए और उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एडल्ट फ्रैंचाइजी क्या है और भारत का संविधान इसके बारे में क्या कहता है इलेक्शन ऑल लेवल्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट और ये कहता है साफ तौर पर कि भारत में अटल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो किया जाएगा भारत के सभी इलेक्शन में मतलब ऑल गवर्नमेंट के जो लेवल हैं सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर राज्यों में तो आप जानते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास आता है वो पंचायती राज्यों का जो होता है तो वो अलग फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ केंद्र लेवल और राज्य लेवल का जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है और ये साफ तौर पर इस बात को कहता है कि भारत में भी क्या है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है अनुच्छेद 326 इसके बारे में बात करता है आप इसे पढ़ सकते हैं अब कॉन्सेप्ट क्या था कॉन्सेप्ट था कि हम देख रहे थे कि महिला एकता दिवस मतलब महिला इक्वलिटी दिवस कब मनाया जाता है वुमेन सिक्योरिटी डे जो है ये कब मनाया जाता है और यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए कहानी को लेकर तो आपको याद रखना है आपको सब पता चल चुका जो मैंने कहा कि वुमेन सिक्योरिटी डे क्यों मनाया जाता है हमने इस प्रश्न में देख लिया कि ये वुमेन सिक्योरिटी डे क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्या है मुझे बोलो हाँ या ना आपकी समझ में आ चुका होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसे क्यों मनाया जाता है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी ये इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी अमेरिका से की गई थी मैंने बता दिया इसे कैसे बढ़ाया गया और इसका मीनिंग क्या है और भारत में जो है ये कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके आपके समझ में आ गए होंगे बाकी नहीं आया है तो आप घर जाके अनुच्छेद तीन एक बार ज़रूर पढ़ें और इंटरनेट पर सर्च करके इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें ताकि आपको और ज़्यादा समय से पढ़ना हो तो आप समझ सकते हो विच ऑफ कंट्रीज नॉट बॉर्डर से किस देश की सीमाएं वियतनाम से नहीं मिलती हैं? आपके पास समय है मात्र तीस सेकेंड का आपको उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमाएं जो है ये वियतनाम से नहीं मिलती हैं आप जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिए फास्ट जल्दी से वेरी फास्ट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप में से किस लोग देख रहे हैं बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छी बात है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पहले से कहता हूं कि बड़ी मेहनत करके सेशन लेके आता हूं मैं सीरियसली यकीन मानो कि सुबह मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन सुबह 3 बजे से सेशन पढ़ना स्टार्ट करता हूं आपके लिए कि आज क्या कवर किया जाएगा और 3 बजे से लेके और ऑलरेडी एक कंटेंट राइटर भी काम कर रहे होते हैं उसके बाद ये सब बनकर आपके सामने आता है क्योंकि चीजें जो है ना इतना ज्यादा कचड़ा है मार्केट में इतना ज्यादा कचड़ा है कि आप परेशान हो जाओगे क्या पढ़ो और क्या छोड़ो मैगजीन भी आपको स्पेशल मैगजीन पढ़ना किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट की मैगजीन आ रही हो या कोई क्रॉनिकल टाइप की मैगजीन आप पढ़ा करो वो ज्यादा बेटर है नहीं तो मार्केट में कचड़ा बहुत ज्यादा है ठीक है चलो आगे देखते हैं फोकस करते हैं विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज नॉट बॉर्डर वियतनाम निम्नखित में से किस देश की सीमा वियतनाम से नहीं मिलती है अब ये तो आपको वियतनाम का मैप देखने के बाद मिलेगा पॉइंट्स को नोट कर लेना अगर आपको यहाँ भी अच्छा लगे ना ना पढ़ना अच्छा लगे तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैंने आज की सुर्खियाँ बताई हैं उन आज की सुर्खियों को घर पर जाके खुद सर्च करके पढ़ लेना इतना तो कर सकते हो ना इतना नहीं कर सकते हो तो मुझे बताओ आपको अगर ये लगे कि सर सेशन में दम नहीं है या कुछ चीज़ें छूट गई या कुछ हो गया आपको कुछ भी लगे तो ये कंटेंट पे वैल्यू है इसकी आपको एक काम जरूर करना है कि कि जो जो मैंने यहाँ पर ग्लिम्पेस या जो मैंने पर पर बताया या है कि आज की क्या आप खुद पढ़ लेना न्यूज़पेपर पेपर से पढ़ लेना हर जगह सोर्स दिया है द हिंदू ऑल हिंदू, इंडिया रेडियो ऑल इंडिया रेडियो सिंपल सोर्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस हर खुद जाके पढ़ लेना मैं खुद कह रहा हूं आपसे पर छोड़ना मत इनको पी आई बी पी आई बी पी आई बी पी आई बी जानते हो ना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पी आई बी तो हर सोर्स का न्यूज है हर न्यूज का सोर्स है कि कौन सी न्यूज कहां से बनाई गई है घर जाके इन्हें जरूर पढ़ लेना चलो बात करते हैं कि वियतनाम का बॉर्डर जो है ये किस से नहीं लगता है क्योंकि आपसे प्रश्न जो है यही पूछा गया है वियतनाम से नहीं मिलती है तो आपको पहले वियतनाम का मैप देखना होगा फिर बात करते हैं इंडिया वियतनाम के रिलेशन के बारे में क्या रिसेंटली कुछ कंडक्ट हुआ है डी थाईलैंड के साथ वियतनाम की सीमाएं नहीं मिलती हैं इसका उत्तर क्या है थाईलैंड है तो आइए जरा वियतनाम देखते हैं कंबोडिया चाइना और लाओस से इसकी सीमाएं मिलती हैं तो एक बार पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये सिटी है जिसका नाम है वियतनाम वियतनाम ये वियतनाम है ये वियतनाम की राजधानी है हनोई ये वियतनाम है अब आपको यहां पर देखना होगा तो कंबोडिया से वियतनाम की सीमाएं मिलती हैं क्योंकि कंबोडिया है ये लाओस है और ये चाइना है तो बिल्कुल थाईलैंड से इसकी सीमा यहाँ पर नहीं मिलती है आप जानते हैं कि सर न्यूज़ क्या था सर न्यूज़ क्या था आपको न्यूज़ देखना होगा एक बार इस लोकेशन को देख लेना साउथ चन्ना सी को पढ़ लेना क्योंकि साउथ चना सी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है ये सारी न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां सर हो जाती हैं। आइए बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट क्या है इसका मतलब क्या होता है कि वर्तमान में न्यूज़ में क्या चल रहा है और अखबार में क्या आया हुआ है जिसकी वजह से मैंने ये न्यूज़ पर अभी क्या हुआ? India और और की बैठक, मतलब India और वियतनाम के बीच में सत्रहवीं जो ज्वाइंट कमीशन की बैठक होती है संयुक्त आयोग की वो हुई है जो कि संबंधित है ट्रेड से मतलब व्यापार से इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था से साइंटिफिक मतलब जो वैज्ञानिक चीजें हैं टेक्नोलॉजी और कॉपरेशन वगैरह में इस सबसे रिलेटेड है कौन सी मीटिंग है सत्रहवीं तो सत्रहवीं रिसेंटली बैठक हुई है जॉइंट कमीशन जो है ऑन ट्रेड इकोनॉमिक्स और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड कॉपोरेशन वॉज हेल्ड ठीक है दोनों पक्षों में भारत वियतनाम व्यापक रणनीति साझेदारी दोनों पक्षों में जो भारत और वियतनाम की व्यापक रणनीति साझेदारी है के मतलब इसका मीनिंग होता है कि व्यापक रूप पर बड़े रूप पर दोनों में जो रणनीतिक स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है ठीक है इसके लेकर कुछ चीजों की डिस्कस किया गया है जो 2016 का ऑलरेडी इन दोनों के बीच में एक 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 क्लॉज हुआ था इंडिया और वियतनाम के बीच में कि हम दोनों क्या करेंगे व्यापक ठीक है रणनीतिक साझेदारी या फिर स्ट्रेटेजिक जो जो पार्टनरशिप उस पर काम करेंगे 2016 से 2016 से के बाद हाल में घटनाक्रम में समीक्षा और भविष्य में उनके व्यापक जुड़ाव पर चर्चा की है तो दो में जो ये एक फंडामेंटल डिसाइड किया गया था कि वियतनाम और इंडिया क्या करेंगे आगे चल के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे उस पर बेहतरीन काम करने वाले हैं उसी को लेकर अभी रिसेंटली यहां पर चर्चा हुई है क्योंकि देखो आप सिंपल बात समझो वियतनाम किसका पड़ोसी है चीन का वियतनाम किसका पड़ोसी है चीन का जब वियतनाम चीन का पड़ोसी है तो ऑब्वियसली आप ये समझ रहे होंगे कि इंडिया को थोड़ा सा अपना प्रभाव वहां दिखाना जरूरी है चीन किसके साथ बात कर रहा है श्रीलंका के साथ चीन के साथ बात कर रहा है बांग्लादेश के साथ चीन क्या कर रहा है बांग्लादेश में बांग्लादेश में नदी पर पुल बनाने के लिए नदी पर बांध बनाने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है चीन क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ तो इंडिया जो इंडियन ओशियन के अलावा इंडिया को भी जरूरत है कि इंडिया थोड़ा सा अपना कदम उधर फैलाए तो इसीलिए अब ये पुरानी चीज़ है कि वियतनाम वगैरह से इंडिया के संबंध बड़े अच्छे रहे क्योंकि लुक पॉलिसी आपने पढ़ी होगी पूर्व की ओर देखो की नीति तो पूर्व की ओर देखो की जो नीति है उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो पूर्व के जो टाइगर हैं, जो टाइगर हैं, या फिर आप कहते हैं हैं, आसियान के जो टाइगर्स उनसे इंडिया के बात करोगे तो वियतनाम पर अभी चर्चा हुई रिसेंटली वर्चुअल कैसी हुई है? हुई है इस बात को याद रखोगे मतलब ऑनलाइन जो है कंडक्ट हुई है क्योंकि आजकल कुछ भी ऑफलाइन नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन ये कंडक्ट हुई है वर्चुअल मीटिंग हुई है ये पॉइंट भी याद रखना आपको ये आपको याद रखना होगा ऑनलाइन कंडक्ट हुई है ये आप कह सकते हैं कि वर्चुअली जो है इसे कंडक्ट कराया गया है वियतनाम इज द वन ऑफ इंडिया क्लोजेस्ट इंटरनेशनल पार्टनर एंड इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज एक्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी यह लुक ईस्ट पॉलिसी बेसिकली है देखो मैंने पहले ही आपको बताया कि वियतनाम क्या है इंडिया का एक क्लोजेस्ट इंटरनेशनल पार्टनर है और इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण जो है एक पॉइंट है लुक ईस्ट पॉलिसी उसको लेकर यहाँ पर जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लुक ईस्ट पॉलिसी आप लोगों ने पढ़ी होगी आप देखो टॉपिक मैंने बताया लुक ईस्ट पॉलिसी अब इस लुक ईस्ट पॉलिसी को मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इतना समय नहीं होगा लेकिन आप इसको पढ़ें कि क्या थी नरसिंह राव जी ने क्या क्या किया था क्यों इसको लेकर आए थे लुकिस पॉलिसी का मतलब क्या था आई आर का टॉपिक है अब आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो और आपको अलग से पढ़ना है कि लुकस्ट पॉलिसी क्या है ये आपका काम है आपको पढ़ना है कि लुकस्ट पॉलिसी थी क्या क्यों आई थी इंडिया में इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है बहुत ही जानदार बहुत ही शानदार है ओवर द लास्ट डिकेज पिछले कुछ दशकों में वियतनाम हैज आल्सो बिकम अ वाइटल पार्ट ऑफ इंडियन स्ट्रेटजी टू काउंटर चाइना सिंपल सी बात है कि वियतनाम जो है ये चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अलाई हो चुका है ये बात आपको समझनी होगी अब थोड़ा सा जान लेते हैं पीएम मोदी के नेतृत्व में संबंध में कैसे विकसित हुए मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया वियतनाम के बीच में क्या क्या चीजें की हैं मैंने आपसे पहले कहा कि 2016 का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था या एक डील हुई थी वियतनाम को लेकर वो नरेंद्र मोदी जी ने की थी नरेंद्र मोदी जी ये चाहते थे कि लुकस्ट पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जाए सही तरीका से तो आप देखोगे मोदी सरकार के तहत भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय बायोलिटरल रिलेशन जो है को काफी गहरा किया गया है तो इंडिया और जो वियतनाम के बीच के जो बायोलिट्रियल रिलेशंस हैं इनको काफ़ी डीप किया गया है काफी गहरा किया गया है काफी क्लोज किया गया है खासकर सुरक्षा के क्षेत्र में स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्या सिक्योरिटी ठीक है इसमें बहुत खास किया गया है 2016 में पीएम मोदी ने वियतनाम के दौरा किया और दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी मतलब बहुत सिंपल सी मीनिंग हुआ कि 2016 में जब मोदी जी ने वियतनाम का दौरा किया था तो उसी समय पर जो मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाला जो डील है या जो समझौता है ये, ये एग्रीमेंट है ये उसी समय हुआ था जिसे बोलते हैं आप व्यापक रणनीति साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया उसी से लेकर तब से ये चीजें सारी की सारी चीजें चलती आ रही हैं और उसी को लेकर इंडिया वियतनाम के रिलेशन है ये अच्छे बिल्ड हुए और उसके बाद अब जो बैठक होने का क्रम चलता चला आ रहा है उसी में जो वर्चुअल बैठक कंडक्ट कराई गई है मोदी के नेतृत्व में व्यापार और रक्षा संबंध बढ़े क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे बेसिकली वियतनाम के साथ बताया रहा है भारत और वियतनाम भारत और प्रशांत महासागर की पहल ये देखो अब भारत और वियतनाम का जो रिलेशन है इंडिया की पहल चल रही है जिसे बोलते हैं आईपीओआई ठीक है आईपीओआई आई। आई आई का मीनिंग है इंडिया पैसेफिक ओशियन की जो पहल है वो भारत प्रशांत पर आसियान के आउटलुक के साथ क्षेत्र के सभी लोगों के साझा सुरक्षा समृद्धि और वृद्धि हासिल करने के लिए अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का सहमत हुए इंडिया आसियान ने क्या किया कि भारत ने आसियान की कंट्रीज़ के साथ अपनी एक पहल की शुरुआत की इसके बारे में बात करूंगा मैं इंडियन पैसिफिक ओशियन वाला जो एक एक पहल एक इनिशिएटिव है इंडिया का इंडियन पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव इसके बारे में बात करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी का एक कंपोनेंट है इंडिया वियतनाम की जो चीज़ें हैं सर कुछ तो कवर का देते हो आप सर सब कुछ तो सर मज़ा आ गया बेटर कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं शेयर अच्छा ठीक है आप आए पंद्रह 22, 20, अब हो 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 गए पता नहीं कहां जाते जाते क्यों सो क्या बीच में आके हम तो जग के काम करते तुम सो जाते हो भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक पृष्ठभूमि में आया है दक्षिण चीन सागर देखो मैंने पहले ही सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया है दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र भारत के वास्तविक नियंत्रण रेखा एल के साथ इसके कार्य शामिल है मैंने आपसे पहले कहा कि इंडिया का जो रोल है वियतनाम के साथ दिस इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ चाइना इज गोइंग टू भी इंटरफियर इंडियन ओशियन रिम या इंडियन ओशियन कंट्रीज में चाइना क्या कर रहा है इंटरफियर कर रहा है दिस इज द ओनली रीज़न कि इंडिया क्या कर रहा है अभी पूरा फोकस कर रहा है वियतनाम वगैरह और जो उस समय के उससे साउथ चाइना जो सी वगैरह है उस पूरे के पूरे क्षेत्र पर ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना होगा ये वियतनाम है वियतनाम का मैप है ये देखो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव देखो मैंने इसी के बारे में बोल रहा था कि मैं इसको बारे में आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पैसिफिक जिसे बोलते हैं ओशियन इनिशिएटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आप नोट डाउन कर लें आपको घर जाके जरूर पढ़ना है प्रश्न को कहाँ से घुमाकर मैं कहाँ लाया हूँ तो ये जो है इंडियन भारत प्रशांत महासागर की पहल प्रशांत महासागरों की पहल कि प्रशांत महासागर में इंडिया का इनिशिएटिव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई पी ओ आई वॉज लॉन्स्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द ईस्ट एशिया समिट इन नवंबर टू थाउजेंड नाइनटीन इसको भी लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के द्वारा मतलब मोदी साहब ने लॉन्च किया है कहाँ पर ईस्ट एशिया समिट जो हुई थी नवंबर दो हज़ार उन्नीस में वहाँ पर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसका नाम है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव आप इसके बारे में जरूर पढ़ें मैं आपसे फिर कह रहा हूं क्योंकि वियतनाम से प्रश्न नहीं पूछेगा क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू आस्क फ्रॉम वियतनाम आई एम वेरी श्योर अबाउट इट मुझे इतना एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूं वो नहीं पूछने वाला ऐसे प्रश्न हमने भी कई बार यूपीएससी नहीं पूछने वाला द पॉइंट इज दैट वो पूछेगा क्या वो ये पूछने वाला है ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये क्या है इसमें बहुत सारे कंट्रीज को टाइपअप करने वाला है बहुत सारे कंट्री को यहाँ पर वो जहां सा जो देख सकते हैं इट फोकस ऑन सेवन सेंटर पिलर्स कंसिप्ट अराउंड अब देखो सात जो पिलर है उनके ऊपर ही फोकस करेगा इंडिया का जो एक इनिशिएटिव है इसे आईपीओआई बोलते हैं पहला तो मार्टाइम सिक्योरिटी जो समुद्र की सिक्योरिटी है उस पर फोकस करेगा दूसरा समुद्र की इकोलॉजी पर फोकस करेगा जो उसका पर्यावरण है तीसरा समुद्र के रिसोर्सेज पर फोकस करेगा इन सारी चीजों पर जो है ये फोकस करने वाला है कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करेगा रिसोर्स के शेयरिंग पे करेगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे करेगा एंड मैनेजमेंट पे करेगा बेसिकली क्या है कि ये जो इंडिया ने बनाया है आईपी आईपीओआई इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव जो इंडो पैसिफिक जो ओशियन है मतलब भारत प्रशांत महागर का सागर जो क्षेत्र है इंडो पैसिफिक जो ओशियन है उस क्षेत्र में जो भी समुद्र को लेकर कौन सी कौन सी चीज़ों के इनिशिएटिव बनाए गए और आसियान के साथ कुछ काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करना चाह रही है ईस्ट एशिया समिट में इसको बोला भी गया था तो इसमें क्या हुआ कि समुद्र की सिक्योरिटी को लेकर क्योंकि समुद्र में बहुत सारी चीज़ें समुद्र की सिक्योरिटी को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करना चाह भी रही थी क्योंकि इंडियन ओशियन के अलावा देखोगे तो उस समय चाइना वहां पर काफी लीड कर रहा है तो इंडियन मारिटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी गवर्नमेंट कंसर्न है दूसरा इकोलॉजी ये तो बहुत मेन मुद्दा है तीसरा रिसोर्सेज को लेकर चौथा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर और डिजास्टर के रिस्क को लेकर इन सारी चीज़ों को लेकर क्या होने वाला है काम होने वाला है ट्रेड वगैरह वगैरह इन सारी चीज़ों पर जो है काम होने वाला है ये एक प्रश्न था बेसिक सा जो आपने समझ लिया अब इसको यही जानना है कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है किसने लॉन्च किया था और इसका काम क्या है बस ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन लीबिया इज रिकोगनाइज बाई यूनाइटेड नेशंस निम्नलिखित में से कौन सी सरकार लीबिया में यूनाइटेड नेशंस का पहचान गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहचाना गया है सही कर लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी सरकार लीबिया में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पहचाना गया है या उसको पहचान दी गई है या यूनाइटेड नेशन उसे रिकोगनाइज किया गया है वो कौन सी सरकार है लीबिया की क्योंकि लीबिया काफी चर्चा में चल रहा है सर पेपर कहाँ से बनाए लेकिन पेपर को छोड़ेंगे नहीं सर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी पूरी क्लास देखी है बहुत अच्छी बात है श्वेता ठाकुर जी धन्यवाद अभिमन्यु सर इससे बेटर कंटेंट ठीक है लेकिन आप तो ग्यारह ही रह गए पहले बीस फिर ग्यारह पता नहीं क्या हो रहा है एग्जैक्टली बेस्ट कंटेंट थैंक यू जी आ, आरती जी आ, हरीश जी कौन सर क्या नाम है हरीश चौधरी ट्रिपल वन हरीश भाई अब जल्दी से उत्तर दें पहले इसका आंसर क्या होगा निम्नलिखित में कौन सरकार लीबिया में यूनाइटेड नेशंस का पहचाना गया यूनाइटेड नेशंस से कौन सी सरकार को पहचाना है ये आपको उत्तर देना है ये आपको बताना है जल्दी बताओ पता है बढ़िया रहता है कि इसको सेशन का सिर्फ एक घंटे का रखा जाए और पांच दस मिनट में यहां आपको बता के सारी चीजें ये 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 और खत्म हैं आपने उत्तर तो दिया है सर चलें बताएं जल्दी से अच्छा उत्तर भी इसमें लिखा हुआ है क्या ओ माई गॉड मैं तो ध्यान ही नहीं दिया शायद मैंने इस उत्तर को गलती से क्लिक कर दिया या फिर मैं इसमें जो है एक प्रकार से कोई नहीं कोई बात नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ अब बात करनी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड ये एन एक गवर्नमेंट है वहां की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड इस सरकार को पहचान दी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चलिए फोकस करते देखो लीबिया लीबिया का मैटर चर्चा में इस समय क्यों लीबिया का मैटर चर्चा में कि लीबिया में इस समय पीस अकॉर्ड की संभावना बढ़ रही है लोग कह रहे हैं कि लीबिया में जो है ये पीस आ सकता है लीबिया में शांति स्थापना की संभावना बढ़ रही है और लीबिया में चुनाव को लेकर थोड़ी सी चर्चाएं जो है ये गर्म हो गई है यही रीजन है कि लीबिया जो इस समय चर्चा में है अब पूरे मैटर को डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली क्या चल रहा है उसके बाद आप इसकी हिस्ट्री वगैरह जो है वो पढ़ लेना आप देखें आगे लीबिया में 2011 से चले आ रहे आंतरिक संघर्ष ने जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है लीबिया में आंतरिक आंतरिक संघर्ष चल रहा है आर्मी के बीच में सिविल के बीच में भयंकर लेवल पर लीबिया में बहुत बड़े लेवल पर घटनाएं होती रहती है लीबिया बहुत ही रिच कंट्री है किसके मामले में ऑयल के मामले में यही रीजन है कि दुनिया के जो बाकी सारे देश है अगर आप लीबिया को

इसमें हमेशा इंटरफेयर होता रहता है तो इस कंट्री में हमेशा अनस्टेबिलिटी रहती है ये कंट्री आपको दिखाई दे रहा होगा इजिप्ट है इधर सूडान है चार्ड है नाइजर है अल्जीरिया है ट्यूनेशिया है इस सबके बीच में जो है ये लीबिया का सिचुएशन है ये देश है लीबिया आइए बात करते हैं लीबिया के बारे में क्या है क्या खास है क्या बात की है देखो भाई लिबिया 2011 से चले आ रहे आंतरिक संघर्ष ने डीएसक्लेन के संकेत दिखाए हैं डीएसक्लेशन का मीनिंग है कि अब जो है एस्केलेट नहीं होगा अब ये संकेत नजर आ रहे हैं कि जो लिबिया का जो है जो संघर्ष है वो कम हो सकता मैंने है मैंने आपसे पहले कहा कि चुनाव की संभावनाएं बढ़ रही हैं और पीस अकॉर्ड की संभावना लीबिया में इस समय बन रही है जो कि दो से लेकर वहां पे कंफ्लिक चल रहा है उसकी कुछ शांति की बातें यहां बन रही है क्योंकि देश में प्रद्वन्दी अधिकारियों ने संघर्ष विराम का आह्वान किया है मैंने पहले बोला कि संघर्ष विराम का आह्वान करना दिया गया है देखो एक तो है राइवल फोर्सेस एक वहां पर दो लड़ाई दो गुटों के बीच में लीबिया में लड़ाई चलती है जनरली इस समय आप देखोगे तो ज्यादातर जो चल रही है उसमें एक तो है बेसिकली सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीवियन नेशनल आर्मी एक का नाम है एल ये एलएनए क्या है ये बोलते हैं कि लीबिया की नेशनल आर्मी है जैसे आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे यहाँ एक आर्मी बनाई थी आप ये जानते हैं वो भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड थी उन्होंने उसकी खुद ने उनकी व्यवस्था की थी खुद ने उसका उन्होंने कहा था कि ये जो है मेरी आर्मी है सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी खुद आजाद हिंद फौज की स्थापना जो, चीज़ें जो आती हैं वो की उनसे पहले भी कुछ लोगों ने तो यहां मैटर क्या है ये 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 जो है है प्रोक्लेम्ड लीबियन आर्मी नहीं है उन्होंने खुद अपनी एक आर्मी बना रखी है लीबिया के कुछ लोगों ने इकट्ठा होके और प्रोक्लेम्ड है खुद इसे वो कहते हैं कि लीबियन नेशनल आर्मी है इसे बोलते हैं एल एलएनए ए जो है इसको लीड करता है खलीफा हफ्तार खलीफा हफ्तार जो है ये इसको क्या करता है

इस जीएनए से एलएनए की हमेशा चलती रहती है कुछ चीज़ें इस जीएनए का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड इसका नाम क्या है जीएनए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल जो अकॉर्ड है ये क्या है इसी को यूनाइटेड नेशन ने क्या मान्यता दे रखी है तो प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पहचान किसको दिया गया है तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड को जीएनए को दिया गया है तो जीएनए जो है इसको पहचान दे रखी है यूनाइटेड नेशंस ने इसको सरकार के रूप में माना हुआ है इसको पहचान दी हुई है लीबिया में जबकि जो दूसरा वाला जो है लीबियन नेशनल आर्मी इन दोनों में क्या है एक मुद्दा चलता रहता है और इनमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं होती रहती हैं अब देखो मेरी बात ध्यान से एल एन एज़ लॉन्ग एन्जॉयड बैकिंग फ्राम कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूनाइटेड अरब अमीराट इजिप्ट रसिया एंड जॉर्डन जो एल एन ए है एल एन ए के पीछे बहुत से देशों के हाथ हैं एल एन ए जो है उसको सपोर्ट करने वाले बहुत से कंट्रीज हैं उसमें आप देखोगे कि अरब यूनाइट अमीराट यू ए जो उसके बगल में यू ए ई है उधर जाके यू ए ई है दूसरा आप देखोगे इजिप्ट है इजिप्ट देखो बगल में इजिप्ट पड़ता है तीसरा आप देखोगे सूडान हो गया तो सूडान तो इसमें शामिल नहीं है इजिप्ट हो गया रसिया हो गया जॉर्डन हो गया ये कैसे कंट्री हैं ये हमेशा क्या करते हैं ये सपोर्ट करते हैं एल को मतलब जो लीबियन की जो नेशनल आर्मी जो बना रखी है लोगों ने उसको सपोर्ट करने वाले कंट्री हैं रूस है इजिप्ट है जॉर्डन है और यूएई है आपको मैंने पहले बताया कि कुछ कंट्री एक की तरफ है और कुछ कंट्री एक के तरफ है और दोनों मिलकर लड़ा रहे हैं रीजन क्या है ऑयल जो है रीजन है तो आप अगर ज़्यादा ना समझो तो इतना समझो कि रूस जो है रसिया जो है वो अमेरिका का दुश्मन है और रूस जो है वो एल की तरफ है एल की तरफ है और जो अमेरिका जो है जो यूएसए जो है ये जी की तरफ है ज़्यादा मत समझो तो इतना जरूर समझ जाओ कि इन दोनों के ऐसे समझ सकते हो ये जो है रशियन लाई हैं अरब यू इजिप्ट हो गया रशिया हो गया जॉर्डन हो गया ये सपोर्ट करते हैं एल एन को जो लीबियन नेशनल आर्मी है और दूसरे यूएसए हो गया टर्की हो गया कतर हो गया ये सपोर्ट करते हैं जी एन को जो मैंने आपको बताया यूएसए सपोर्ट करता है टर्की सपोर्ट करता है कतर करता है और कौन सा ये सपोर्ट करते हैं जीएनए को तो रूस एक तरफ हो गया और ये एक तरफ हो गया अब ये दोनों मिलके सपोर्ट करते हैं अलग अलग पार्टीज को और इससे क्या हो रहा है वहां पर भयंकर लेवल की लड़ाई चलती है लड़ाई चलती है इसका रीजन क्या है कि वहां पे ऑयल बहुत ज्यादा रिच है और यूएसए की सपोर्ट करने की वजह से ही जीएनए को भी यूनाइटेड नेशन ने रिकोगशन दे दी ये इसका रीजन है बहुत बड़ा अभी देखो ये बात समझ में आ गई क्या ये क्लियर है क्या ये पॉइंट सबके क्लियर है क्या ये बात सबके समझ में आ चुकी है जो मैंने यहां तक बताई है जीएनए लेने वाली क्या किसी को कोई डाउट है समझ में आ गई क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है ये बात समझ में आ गई होगी युद्ध विराम जीएनए ने प्रमुख द्वार युद्ध विराम का आह्वान जो है सिरा शहर के ध्वस्त करने पर राजनीतिक उत्पादन होने पर तेल उत्पादन के फिर से शुरू करने के लिए प्रस्ताव किया इसने मार्च 2021 में चुनाव कराने का भी आह्वान किया है मैंने आपसे पहले कहा कि जो जीएनए है जो जीएनए है वहां की इस जीएनए ने जो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड है इसने कहा है कि युद्ध विराम करो और 2021 में चुनाव कराने की बात की जा रही है अब इन दोनों में शांति स्थापित करने की बात यहां पर हो रही है ये एक मेन पॉइंट था जो आपको डिस्कस करना था ये है लीबिया आप, आप देख सकते हैं कि के, सपोर्ट करने वाला है और कौन इसके खिलाफ है तो बस अमेरिका और रूस को लेकर समझ सकते हैं दो आपके लिए काफी अच्छे एग्जाम्पल थे अब देखो लीबिया में लीबिया उत्तरी अफ्रीका में ज्यादातर रेगिस्तान और तेल से समृद्ध देश है आप थोड़ा जान लो लीबिया के बारे में पहले ही जान लो मैंने पहले ही कहा कि लीबिया में क्या है लीबिया में भैया बहुत ज्यादा ऑयल है लीबिया जो है अफ्रीका का बहुत ज्यादा रिच रिच ऑयल कंट्री है ये पॉइंट आपको समझना होगा इसमें बड़े लेवल पर क्या है बड़े लेवल पर रिच ऑयल पाया जाता है तो ये बहुत ज्यादा ऑयल रिच कंट्री है ये लीबिया की पहली चीज है ज्यादातर रेगिस्तान है क्योंकि रेगिस्तान आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा रेगिस्तान का एरिया है जो आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट का एरिया इसमें दिखाई आपको देगा तो ये जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है उन्नीस में कर्नल गदाफी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और चार दशकों तक शासन किया एक यहाँ पर गदाफी या ये सत्ता पर कब्जा कर लिया था कर्नल ने और चार दशकों तक इसने शासन किया था जब तक कि वो 2011 में पश्चिमी सैन्य हस्तक्षेप के सहायता से प्राप्त एक सशस्त्र विद्रोह के बाद हटाया गया इसको बाद में हटाया गया था 2011 में जो वेस्टर्न कंट्रीज अलाए हैं जिसमें यूएसए भी शामिल था और इसको हटा दिया गया था नाइनटीन के बाद दो में लीबिया में युद्ध से अफ्रीका से एक नया प्रवासी संकट पैदा हो सकता है जो लीबिया में गृहयुद्ध चल रहा है इसे लोग कहते हैं कि अगर यह गृहयुद्ध चलता रहेगा तो अफ्रीका से एक नया प्रवासी संकट जो पैदा हो जाएगा अफ्रीका में यह बात यहां की जाती है लीबिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल भंडार है मैं पहले बता चुका हूं और दुनिया का सबसे बड़े तेल उत्पादों में से एक है मतलब वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है और ऑयल की वजह से सारी चीजें हो रही थी बाकी कुछ भी नहीं था यही एक मेन मुद्दा है लोग इसमें लड़ा रहे थे आपस में लीबिया में अस्थिरता वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं लोगों ने कहा कि जो लीबिया है वहां पर अगर इस तरह अनस्टेबिलिटी चलेगी तो ग्लोबल जो ऑयल प्राइस है वो बढ़

अब देखेंगे इस पे क्या बात करेगा क्या स्टेटमेंट आएगा इलेक्शन होगा या नहीं होगा ये सारी, -सारी फ्यूचर की, की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके द्वारा बनाया गया था प्रश्न करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता आप जल्दी से उत्तर दीजिए इसका आंसर तो नहीं लिखा है ना चलो भैया जल्दी से बताइए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये अंडर विच एक्ट ये किस एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है ये बनाया गया था आपको उत्तर देना जल्दी से आंसर दीजिए होशियार बच्चों जल्दी से आंसर दो इतने कम बच्चे करंट अफेयर्स में अबे जोरदार शेयर कर दिया करो जोरदार तरीके से बच्चों को बुलाया करो सबको यार मुझे बड़ा और लगता है चलो जल्दी करो जल्दी आंसर दो प्लीज आपके पास थोड़ा सा समय है बस ज्यादा समय नहीं है सी 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 कमलेश का आंसर सी आ रहा है नेशनल आ, ग्रीन ट्रिब्यूनल फोर्टीन ओके सी आप उत्तर दे रहे हो देखते हैं सी सही है ए सही है अभी जी को पता नहीं है अमरेज सिंह का ए उत्तर है ठीक है जल्दी थोड़ा आंसर दीजिए आप पढ़ के आए हो गए यार इतने सारे न्यूज चैनल पे कवर करके आते हो इतने सारे चैनल्स पे कवर करके आते हो करंट अफेयर्स मैं तो फिर कहता हूँ कि सब जगह कवर करके आया करो सब जगह पढ़ा करो और लास्ट में आ जा यहां जाया करो यहाँ थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़े से ढीले हो जाएंगे या थोड़े टाइट हो जाएंगे थोड़ा चीजों को समझ पाओगे क्योंकि वहाँ ऐसे थोड़ी ना बताया गया होगा वहाँ अलग प्रश्न पूछा गया और डायरेक्ट जो क्वेश्चन करंट में चल रहा है वो डिस्कस किया होगा या हम क्या कर रहे हैं बैकग्राउंड ही डिस्कस करते हैं हमेशा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ऐसी पूछती है बच्चों का खेल नहीं है चलिए भाई देखते हैं दो हजार दस का एक्ट क्या कहता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट टू इसके द्वारा बनाया गया था एनजीटी को अब आपके मन में विचार आएगा सर चर्चा में क्या है सर न्यूज में क्या चल रहा है रीसेंट डेवलपमेंट मतलब वर्तमान में समाचार में क्या है मैं यूं नहीं लिखवाता अभी हाल ही में मैं लिखवाता हूं रीसेंट डेवलपमेंट मतलब अभी क्या चल रहा है अभी समाचार में क्या आया है और ऐसी कौन सी चीज हो रही है देखो अभी रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक फटकार लगाई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो हमारी मिनिस्ट्री है जो हमारी मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है इसको एक फटकार लगाई है एन को लेकर ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है पहला <coughs> कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या फटकार लगाई है सरकार के मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को ओवर इट्स रिपोर्ट ऑन द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी को लेकर अब आपको जानना तीन चीजें हैं मेरे प्यारे दोस्त कि पहला सर एन क्या है चलो मिनिस्ट्री को मैं छोड़ देता हूँ दूसरा सर एन क्या है और सर क्या फटकार लगाई है ये तीन पॉइंट आपके सामने डिस्कस होने चाहिए कि सर क्या फटकार लगाई है देखो विच प्रपोज ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन बाय 2024 अब देखो इसी एक रिपोर्ट थी एंड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी की जिसमें एक, एक प्रोग्राम रखा गया था कि जो इंडिया में जो एयर पॉल्यूशन है उसे 2024 तक 20 से 30 परसेंट कम किया जाएगा एयर पॉल्यूशन को ये एक मुद्दा था यहां पर इस मुद्दे को हम डिस्कस करते हैं आप देखो क्या है आप देखो पहली चीज समझो जो एयर पोल्यूशन है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए एक हमने डेडलाइन दी 2024 तक कि कि 2024 तक 20 से 30 परसेंट क्या करेंगे रिडक्शन कर देंगे एयर पोल्यूशन का लेकिन सरकार ने इस बात को असंभव कहा सरकार ने कहा कि संभव ही नहीं है असंभव है इट इज नॉट पॉसिबल तो भैया एनजे ने कहा का ऐसे कैसे कह सकते हो इट इस नॉट पॉसिबल आप ट्राई करो आप पॉलिसीज बनाओ ये मुद्दा यहां पर आया इस मुद्दे को लेकर हम यहां पर बात करेंगे बस तो अब आपको सरकार ने क्या कहा एनजीटी ने क्या कहा इसको आप भूल जाओ पॉइंट आप याद रखो पॉइंट क्या याद रखना है कि एनजीटी क्या है और एनसीएपी क्या है और कितने परसेंट रिडक्शन की बात की गई है और उसका लक्ष्य क्या रखा गया है 2024 तक और एक चीज और खास है कि 2024 तक जो 20 से 30 परसेंट कटौती की जाएगी उसका बेस ईयर क्या होगा मतलब किस किस उम्र किस बेस ईयर पे लाके कटौती की जाएगी उस साल के बराबर लाने का कोई टारगेट रखा होगा उस पर भी बात करेंगे तो आइए देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को जो यहाँ पर लिखा हुआ है एम ओ ई एफ ने हाल ही में एन जी टी को सूचित किया था कि एक समिति के निष्कर्ष निकाला है कि एन सी ए पी के तहत दो हजार बीस और ट्वेंटी थर्टी परसेंट प्रदूषण की कमी यथार्थवादी नहीं लगती है ये इसने बोला है यथार्थवादी नहीं लगती है इसने कहा है कि रिसेंटली जो एनसीएपी ने में जो प्रोग्राम में जो हमने रखा है टारगेट 20 से 30 परसेंट के प्रदूषण को कम करना है ये जो सोच है ये हमें यथार्थवादी नहीं लगती है मंत्रालय ने आगे कहा था कि कुछ प्रतिशत सीमाओं को छोड़कर प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता मिनिस्ट्री ने बोला एन को कि देखो जो पॉल्यूशन है उसको कुछ परसेंट तक नियंत्रित किया जा सकता है इसके बाद इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता इट इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल ये एनजीटी को बोला किसने मेरे प्यारे भाई तो बोला किसने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने बोला एनजीटी को कहा कि आप एनसीएपी में जो प्रोग्रामिंग में आप जो रखे हो कि दो तक इंडिया के जो एयर पॉल्यूशन का जो कम किया जाना एयर पॉल्यूशन को कम करना है उसका जो टारगेट है बीस से तीस परसेंट ये हमें रियलिस्टिक नहीं लगता है ये पॉसिबल नहीं लगता है ऐसा एक, एक समिति ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है भाई एक कमेटी दैट इज कंक्लूज कि ऐसा जो है ये पॉसिबल नहीं है ये अनरियलिस्टिक है रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा तो एनजीटी ने उससे कहा कि अच्छा चलो अब देखते हैं अब टॉपिक क्या ये देखते हैं हालांकि एनजीटी ने यह कहते हुए स, इस मिशन को रद्द कर दिया कि एमओईएफ का दृष्टिकोण अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक जनादेश के खिलाफ था और वैधानिक जनादेश के खिलाफ भी था देखो एनजीटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया इस स्टेटमेंट को और कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने जो कहा है ये भारत के संविधान अनुच्छे के अनुच्छेद इक्कीस के इक्कीस जो है उसके क्या है खिलाफ था और वैधानिक जनादेश के भी खिलाफ था दो चीज है एनजीटी ने कहा कि मेरी बात नहीं मान रहे हो लीगल प्रकार से ये गलत है दूसरा आर्टिकल उल्लंघन कर रहे हो अब आर्टिकल इक्कीस क्या राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ है तो आर्टिकल इक्कीस में आप देखोगे कि पॉल्यूशन जो होता है जो प्रदूषण होता है वो मानव के जीवन के लिए खतरनाक है और एयर पोल्यूशन मानव के जीवन के लिए बहुत खतरनाक है तो इसने बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो आप आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन कर रहे हो क्योंकि राइट टू लाइफ है तो आपको इंसान को जीने के लिए स्वच्छ पर्यावरण देना चाहिए क्योंकि राइट राइट टू लाइफ के अंदर वो एक कंपोनेंट है भाई उसके बिना कैसे लाइफ चलेगी जैसे आप राइट टू फूड की बात करते हो खाना खाने का अधिकार कि आपके पास खाना होना चाहिए राइट टू स्लिप की बात करते हो सोना है आपको वो भी आर्टिकल ट्वेंटी का ही पार्ट आता है आप कहते हो तो वो भी आर्टिकल ट्वेंटी का ही पार्ट है राइट टू प्राइवेसी की बात करते हो एकांत की बात करते हो मैं क्या कह रहा हूँ राइट रह टू प्राइवेसी मैं यू नहीं कह रहा कि राइट रह टू साइलेंस मैं एकांत की बात कर रहा हूँ प्राइवेसी की बात कर रहा है मतलब आपको एकांत में रहने का आपका मन कर रहा है आपको कोई आसपास नहीं चाहिए तो राइट टू टू प्राइवेसी इज अ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऐसे ही गेट क्लियर इन्वायरमेंट टू गेट अ प्रॉपर इन्वायरमेंट आपको जीने के लिए एक सही इन्वायरमेंट मिले दिस इज द आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ये भी अनुच्छेद 21 का ही भाग है ये एनजीटी ने उसको कहा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को ये बात बोली अब पॉइंट पर आते हैं कि कितना एमिशन कट की बात की जा रही है और कितना एयर पॉल्यूशन को डाउन करने की बात हो रही है यह एक मुद्दा है देखो एयर पॉल्यूशन जो है यह बहुत खतरनाक चीज है आप यह जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन जो है एयर में जितने भी हम लोग ऑयल यूज करते हैं या पेट्रोलियम यूज करते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं एयर है, में क्या होता है कार्बन का एमिशन होता है कार्बन का उत्सर्जन होता है उससे क्या होता है एयर क्या होती है पॉल्यूट हो जाती है एयर में क्या हो गया बहुत सारी गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गई SO2 हो गई सल्फर डाइऑक्साइड जिसे आप कहते हैं SCFC हो गई ऐसी बहुत सारी गैसें जो होती हैं ये मिल जाती हैं जिससे क्या होता है कि एयर का जो एक वॉल्यूम है या एयर में जो गैसेस होती हैं जो हमारे जीने के लिए आवश्यक हैं, जैसे CO2 तो आवश्यक नहीं है हमें O2 ज्यादा आवश्यक है ऑक्सीजन जो है तो जो एयर में जो गैसेस का परसेंटेज होता है जैसे नाइट्रोजन आप जानते हो सबसे ज़्यादा तो जो गैसेस का जो परसेंटेज होता है एयर में उसका एक बैलेंस बिगड़ जाता है और वो डिसबैलेंस हो जाता है उसमें अदर गैसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं ऑक्सीजन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है एयर में लेकिन फिर भी क्या है अगर वो बढ़ जाएगी तो एयर का क्या होगा एक कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा और जब कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है तो क्या होता है सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है दूसरा देखो कि जीरो पॉइंट थ्री परसेंट समथिंग थ्री थ्री परसेंट समथिंग समथिंग क्या है काउन डी है तो अगर ये बढ़ जाएंगी तो क्या होगा इसका जो एक पूरा का पूरा एक जो कॉम्बिनेशन एयर का वो खराब हो जाता है इससे आप एयर पॉल्यूशन कहते हैं एयर पॉल्यूंट जो है वो क्या क्या है सल्फर डाइऑक्साइड है सीओ टू है काउन डाइऑक्साइड है सी एफ सी है क्लोरोफ्लोरोबन जिन्हें आप कहते हैं ये एयर पॉल्यूंट है ये एयर को नुकसान पहुंचाते हैं कार्बन एमिशन को कम करने की बात पहले से की जा रही है कि जो कार्बन है उस एमिशन को कम करो ये उसे कम करने की बात बहुत पहले से कही जा रही है अब एयर पॉल्यूशन को कट डाउन करने के लिए क्या प्लान बनाया गया था भारत में इस पॉइंट को जरा एक बार आप नोटिस करो एयर पोल्यूशन द साइलेंट किलर देखो एयर पोल्यूशन क्या है ये साइलेंट किलर है ये लोगों को मार देता है पता भी नहीं चलता एयर पोल्यूशन जो है ये इस एरिया में हमारे भारत वाले एरिया में लगभग लगभग देखो इस एरिया में पूरा ब्लैक हो रखा है इस एरिया में भयंकर एयर पोल्यूशन जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये जो है साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है इसमें एयर पॉल्यूशन जो है ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसमें मर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया बताया गया है कितनी डेथ होती है ओवर दो मिलियन डेथ जो होती हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं

कि एनसीएपी को लेकर जो है इस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने कहा कि इसको पूरा नहीं किया जा सकता तो आप पहले ये जान लें कि एनसीएपी है क्या इस एनसीएपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम एनजीटी के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे पहले मैंने आपको बताया है कि एन को लेकर देखो नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम जो है एन क्या है इट वॉज लॉन्स बाई द मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी इन्वायमेंट एंड फॉरेस्ट है उसी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2019 में इसने कहा था कि एयर को क्लीन करना है एयर को क्लीन करने के लिए इस एन को लॉन्च किया गया था इट वॉज द फर्स्ट एवर एफर्ट इन द कंट्री टू फ्रेम अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विद अ टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट ये इंडिया का एक पहला ऐसा एक पहला ऐसा एफर्ट था भारत देश का जिसमें एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया था एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट करने के लिए विद द टाइम बाउंड टारगेट इसमें एक टाइम बाउंड टारगेट रखा गया था और टारगेट क्या था जो टारगेट आप देख सकते हो कि दो हजार uh, तक कितना करना है हमें जो पॉल्यूशन है उसको एयर पॉल्यूशन का रिडक्शन जो है ये बीस से तीस करना है इस टारगेट के साथ नेशनल क्लीर एयर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है एनसीएपी पी इस पर जो है काम किया गया था ये एक पॉइंट आपको यहां पर समझना है ये पॉइंट आपको जानना है आगे देखेंगे इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट से बात समझ गए इट सीक टू कट कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल जो होते हैं देखो अब क्या होते हैं पार्टिकुलेट होते हैं जो भी जैसे आपने पीएम एम वन सुना होगा पीएम एम टू सुना होगा जो हवा होती है उसमें एयर में क्या होते हैं बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्टे होते हैं जो कि जिनका डायमीटर जो होता है वो बताया गया है कि पीएम एम टेन वगैरह वगैरह उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए खतरनाक होती हैं जो हवा में पाई जाती हैं उनको लेकर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ पर कि पी एम एंड फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं जिनका डायमीटर होता है टू जो है उनको यहां बताया गया इन सब को लेकर एक प्लान किया गया कि इन सब को कट डाउन करते हैं और एयर पॉल्यूशन जो इंडिया में हो रहा है जैसे दिल्ली में एनसीपी को लेकर बहुत सी चीजें डिस्कस की गई थी उसको क्या करते हैं कट डाउन करते हैं पॉइंट ये था अब इसमें एनजीटी जो था इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था एनजीटी ये चाहता था कि इसको एनसीएपी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियरली लागू करे लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया ये कह दिया कि इसको इसको जो है इसको मेकआउट करना जो है ये पॉसिबल नहीं है अब आप जान लें कि सर एन क्या होता है देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एन की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत की गई थी ये प्रश्न पूछा गया था आपसे यही मैंने आपको बताया कि एन की स्थापना की गई थी 2010 में एक एक्ट आया था जिसे बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ये जो है ये बहुत ही फेमस है एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण एक स्पेशलाइज एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल जो है भारत में बन गया था स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया मतलब इंडिया एक वो देश बन गया जिसने अपने देश में एनवायरमेंट को बचाने के लिए एक नेशनल ट्रिब्यूनल की स्थापना की ये भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया और जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें पहला देश बन गया इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में ही ऐसे निकाय की स्थापना की गई है मतलब ऐसे कोई एन टाइप की जो बॉडीज़ हैं जो ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हैं जो बेसिकली डेडिकेटेड होते हैं इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए ये ओनली देखे जाते हैं दो कंट्रीज में इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत कैसा देश है तीसरा देश है ये आपको याद रखना है जिसमें कोई स्पेसिफिक बॉडी है किसके लिए इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेज़ी से निपटारा करना है मतलब जो ऐसे मामले होते हैं जो इन्वायरमेंट से संबंधित उनका तेज़ी से निपटारा करना है जिसमें देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सकता है पहले क्या होता था कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से पहले जो भी मामले आया करते थे पर्यावरण से संबंधित उनको भी अदालत देखा करती थी जैसे आप पहले देखोगे कि कुछ समय की बात है जब एनजीटी बना था उसके बाद की बात है उसने क्या बड़े जल्दी से काम किया कि यमुना नदी जो है दिल्ली पर उस एक मेला लगाया गया था और एक बहुत रविशंकर जी के द्वारा लगाया गया था उसमें एन ने इनको नोटिस दिया और बहुत फास्ट ट्रैक ट्रायल उसका किया और बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई थी

और चेन्नई इधर हो गया तो भोपाल पुणे कलकत्ता एवं चेन्नई में आप देख सकते हैं किसके जो हैं, से यहां पर हो जाते हैं। के लिए है कि उसके पास आने वाले का महीने के भीतर हो जाए इसका एक, यहां पर अनिवार्य शर्त है कि जो भी मामले एनजीटी में आते उनका निपटारा छह महीने के अंदर हो जाना चाहिए तो बेसिकली आप दो तीन चीजें समझ ले जिस एन को रिस्पॉन्सिबल बॉडी बनाया गया है इंडिया में प्रोटेक्शन करने के लिए इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करने के लिए और एनवायरमेंट का फास्ट ट्रैक ट्रायल करने के लिए इस एन को 2010 में बनाया गया था राष्ट्रीय अधिकार जो है एक एक्ट आया था इस एक्ट के माध्यम से इस एन को बनाया गया था इस पॉइंट को आपको याद रखना है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि एनजीटी जो है ना ये काफी फेमस है और बहुत बार चर्चा में रहता है हर बार जो है यहां से न्यूज पूछे जाने की संभावना जो है रहती है तो आप इसको अगर याद कर लोगे तो आपके ये काम ही आएगा ये आपके काम ही हर बार और बार पूछा जाएगा तो आप इसको एक बार याद कर लेंगे और इसको जरा देख लें कि ये क्या है और क्या इसके अंदर खास है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं एनजीटी की संरचना एनजीटी एनजीटी का क्या क्या है इसका क्या है 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 इसका में एक होता है, एक अध्यक्ष अध्यक्ष होता होता और न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल आप याद रखोगे एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल आदर्श कुमार गोयल जो है ये एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं आप इनका नाम याद रखोगे आदर्श कुमार गोयल ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ये आप यहां पे याद रखोगे आदर्श कुमार गोयल ये अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य और विशेषक सदस्य शामिल होते हैं जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद नियुक्त नहीं किया जा सकता मतलब एक बार कोई व्यक्ति बन गया तो उसे दोबारा जो इलेक्ट नहीं किया जा सकता इनका कार्यकाल जो होता है ये पांच साल का होता है अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये अपॉइंट करती है विदवाइज ऑफ सी जी आई मतलब सी के एडवाइज के बाद ही इनकी नियुक्ति

पर्यावरण शामल हो मतलब इट कैन हियर एनी मैटर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें पर्यावरण के संबंधी कोई चीज़ है उन सारे मामलों की सुनवाई एनजीटी कर सकता है इसको अथॉरिटी दी गई मैंने आपसे कहा कि इसको न्यायालय की सारी शक्तियां दी गई हैं किसी आदमी को नोटिस कर सकता है उसे बुला सकता है उस उसमें पेनाल्टी सूट कर सकता है सारी चीज़ें इसमें पर्यावरण संबंधी कानून अधिकारों को लागू करना भी शामिल है बिल्कुल देखो ये वाला जो पॉइंट है कि इनको लागू करना शामिल है इसी पॉइंट के तहत आप देखोगे कि अभी गवर्नमेंट जिसकी बात कर रही है कि एनसीएपी को लागू नहीं कर सकती वो लागू करना उसको चाहिए ये एक वैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है होने के कारण एनजीटी जो है लीगल बॉडी है बेसिकली एनजीटी के पास अपीले अधिकार हैं और उसके तहत वह सुनवाई कर सकता है ये आपको समझ लेना होगा अब आपके मन में विचार आएगा कि सर वैधानिक निकाय क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ किसे कहते हैं और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं यह आपके मन में एक विचार और आएगा कि सर ये संवैधानिक निकाय गैर संवैधानिक निकाय या स्टेटरी बॉडीज़ किसे कहते हैं बात करेंगे सबके बारे में ये उसी प्रकार से जो है एक प्रकार से एक लीगल बॉडी है स्टेटुचरी बॉडी है ये आपको समझना है नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के अकॉर्डिंग ये सिविल प्रोसीजर में इसकी सारी की सारी चीज़ें जो है ये मेंशन है ये आपको याद रखना है ये सब कुछ के बारे में बताया गया है एनजीटी का अवलोकन क्या है एनजीटी क्या बात कर रहा है ये सारी चीज़ें एयर क्वालिटी को लेकर है अब ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स बाई रिलीज बाई विच ऑफ दिंग निर्यात तैयारी के सूचकांक की रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसे बोलते एक्सपोर्ट की प्रिपेयर के लिए एक इंडेक्स निकाली गई है ठीक है तो प्रिपेयर के लिए इंडेक्स निकाली गई है विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन किस संस्था ने निकाली है निर्यात तैयारी सूचकांक जल्दी आंसर दीजिए भाई नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ ने इंडेक्स 2020 ने या फिर बोथ ऑफ दीज ने आंसर दीजिए इसका उत्तर क्या होगा गोविंदी क्लास चलेगी पॉलिटी की इंस्टीट्यूट ऑफ और... आंसर आंसर दिया जा रहा है अवदीज अवदीज। जल्दी आंसर दो कहां चले सारे यार? चलो और डिस्कस करते हैं इसका आंसर होगा बोथ ऑफ दीज दोनों के द्वारा इन दोनों के द्वारा सी इसका आंसर है बोथ ऑफ दीज दोनों ने मिलाकर नीति आयोग ने और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपिटिटिवनेस इंडेक्स दोनों के द्वारा मिलाकर जो गुरुग्राम वाला है इन दोनों ने मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार की है इंडिया में जिसके बारे में बात करते हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट मतलब समाचार में इस समय क्या है जानते हैं समाचार में कौन सी चीज के बारे में बात की जा रही थी नीति आयोग नीति आयोग इज अ पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस रिलीज एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स ईपीआई 202020 देखो नीति आयोग ने और एक संस्था जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटिटिव इसके साथ मिलकर एक एक्सपोर्ट के लिए कि एक्सपोर्ट में हम कितने रेडी हैं उसकी रिपोर्ट जारी किए जिसे बोलते हैं ईपीआई इंडेक्स और इस इंडेक्स में हमने क्या किया है अपने राज्यों को रैंकिंग प्रोवाइड की है ये इंस्टीट्यूट इस है बेसिकली competitive, ये इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में है और बड़ा ही फेमस है कभी कभी इसमें ये रिसर्च का काम करता है जितनी भी रिसर्च होती है या गवर्नमेंट जितने भी प्रोग्राम पे रिसर्च वगैरह करती है उसको लेकर ये काम करता है और दूसरा है हमारा नीति आयोग तो यहाँ आपको डिस्कस करनी है तीन चीज़ें कि सर पहला तो ये बताइए कि सर नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है तो सर ये नीति आयोग क्या है इसको डिस्कस करेंगे दूसरा इस इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में चलो ठीक है सर जो ईपीआई रिपोर्ट आई है इस ईपीआई रिपोर्ट में क्या शामिल किया गया है इसमें सर भारत के कौन से राज्य की कौन सी रैंकिंग इसके बारे में बात करते हैं निर्यात की तैयारियों और भारतीय राज्यों के प्रदर्शन की जांच करने वाली पहली रिपोर्ट ईपीआई का इरादा चुनौती और अवसरों की पहचान करना है सरकारी नीतियों के प्रभावशीलता में वृद्धि और एक सुविधा नियामक ढांचे को प्रोत्साहित करना है देखिए निर्यात की तैयारी और भारतीय राज्यों के प्रदर्शन की, की जांच करने वाली पहली रिपोर्ट है दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट जो बताती है कि इंडिया के जो स्टेट हैं वो कितने प्रिपेयर हैं एक्सपोर्ट करने के लिए पहली चीज तो ये बताती है कि इंडियन स्टेट कितने प्रिपेयर हैं एक्सपोर्ट करने के लिए और दूसरा उनका कौन सा कौन सा रैंकिंग है कौन सा स्टेट कितना ज्यादा प्रिपेयर है एक्सपोर्ट करने के लिए बिकॉज आप ये जानते हैं कि अब इंडिया क्या कह रहा है हम कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत के अंदर बनना चाहते हैं दूसरा हम एक्सपोर्ट को कम इंपोर्ट को कम करेंगे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट को करने के लिए इंडिया की कौन सी स्टेट जो है वो कितना प्रिपेयर्ड है देखो एक बात आप समझ लो क्योंकि कोविड नाइन्टीन के बाद दो चीजें होने वाली हैं कोविड नाइनटीन के बाद ये होगा कि मार्केट का जो प्रोडक्शन है वो डाउन होगा रीजन जानते हो क्योंकि रीजन बिंग जितने भी यूरोप के कंट्रीज हैं उनमें इतने बड़े लेवल पर महामारी फैली जैसे आप दिल्ली को देखो तो दिल्ली में क्या है पहले प्रोडक्शन दिल्ली करती है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती है दिल्ली हो गया मुंबई हो गया ये हमारे मेट्रो सिटीज ये प्रोडक्शन करते हैं बड़े लेवल पर अब इनमें लेबर नहीं है तो लेबर क्या होगी जब लेबर सिटी की तरफ ओरिएंटेड नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन डाउन होगा और इस सिचुएशन में ग्लोबल एरा में देखोगे तो इंडिया के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया में क्या है इंडिया की पॉपुलेशन जो है इसका यूज़ किया जा सकता है इस समय लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पॉपुलेशन ऐसी घूम रही है अभी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है प्राइवेट में भी नहीं मिल रही हैं लोगों को प्राइवेट में भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं इवन प्राइवेट में भी गवर्नमेंट जो नौकरी नहीं क्रिएट कर पा रही है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे कंट्री के लिए तो अब देखोगे आप अब आप देखोगे पॉइंट उसको लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे ईपीआई का नाम दिया गया है कि इंडिया का कौन सा स्टेट जो है ये कितना ज्यादा प्रिपेयर है एक्सपोर्ट को लेकर इस रिपोर्ट को बनाया गया दो के द्वारा जो दो के नाम आप यहां पर देख चुके हो स्ट्रक्चर ऑफ द ईपीआई इंक्लूड्स फोर पिलर्स जो ईपीआई का जो स्ट्रक्चर है इसमें चार पिलर को शामिल किया गया इन चार पिलर के आधार पर हमने स्टेट को यहां पर इंडेक्स में शामिल किया है कि पॉलिसीज़ कैसे फ्रेमिंग हो रही हैं बिजनेस इकोसिस्टम इकोसिस्टम कैसा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस क्या है पॉलिसीज़ की फ्रेमिंग क्या है बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा है मतलब जो वहां पर बिजनेस का वातावरण है वो कैसा है दूसरा एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम कैसा है कि कैसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसके पूरा पर्यावरण कैसा है पूरा तंत्र कैसे काम कर रहा है और चौथा एक्सपोर्ट में परफॉर्मेंस क्या है इसके आधार पर इस ईपीआई में ये चार पिलर हैं अगर आप यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछेगी तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो इस प्रश्न को पूछ सकती है और जब पूछेगी ना तो पता है वो हो सकता है कि इन दोनों के नाम पूछ के स्टेटमेंट में दोनों तो पूछा स्टेटमेंट में स्टेटमेंट में क्वेश्चन को पूछेगी सिंगल नहीं पूछने वाली स्टेटमेंट में बोल देगी कि दिस रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुआ तो इस्टुडियो का नाम लिख देगी कि ये दोनों हैं उसके बाद बोलेगी दिस रिपोर्ट इंक्लूड इंक्लूड करती है कितने स्ट्रक्चर के प्लर्स को ये प्लर्स आपको डाल देगी या आपसे पूछ लेगी कि रिसेंटली इस स्टेट ने इसमें नंबर वन टॉप किया है अभी रिसेंटली कोई रिपोर्ट आई है क्योंकि देखो यूपीएससी इतना तो बता दे जितना एग्जाम पूछते हैं वो ऐसे पूछेगी कि भाई रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसमें इस राज्य ने टॉप किया है अब ये पूछते हैं एसएससी वाले एग्जाम ये वो बता रही है ऑलरेडी इस राज्य ने इसमें टॉप किया यह हमें पता है अब जो टॉप किया जिस राज्य ने इस रिपोर्ट को तैयार किसके द्वारा किया गया वो ये भी बता देगी वो पूछेगी ये बताओ इसके पिलर कितने किस आधार पर इस राज्य ने टॉप किया है तो ये पिलर्स जो हैं ये आपको समझने ये चार पिलर्स जो होंगे इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि यूपीएससी का स्टाइल बहुत अलग होता है आप कोई भी एग्जाम दोगे अब देखो सब पिलर्स ये पिलर्स के बारे में बताया गया है सिग्निफिकेंस के बारे में बताया गया पहले हम क्या करते हैं पहले हम बात कर लेते हैं जो रिपोर्ट आई है इसमें अभी कौन से कौन से राज्यों को कौन सा कौन सा नंबर दिया गया है ये यहाँ पर नीति आयोग के बारे में बात चल रही है देख रहे हो नीति आयोग के कुछ लोग हैं यहाँ पर और जो जो है मिनिस्ट्री के सीईओ अमिताभ कांत जी खड़े हुए नीति आयोग के तो कुछ कुछ चीजें हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं किसको नंबर वन मिला है द मोस्ट ऑफ द कोस्टल स्टेट आर बेस्ट परफॉर्मेंस देखो जो कोस्टल स्टेट है भारत की अब इसको कई प्रकार से डिवाइड किया गया है तो पहला कि भारत के जो कोस्टल राज्य हैं जो भारत के तटीय राज्य हैं उनमें गुजरात महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ऑक्युपाइड द टॉप थ्री रैंक्स जो है इनको दिया गया है तो नंबर वन पे किसको दिया गया है नंबर वन रैंक जो दिया गया है ये गुजरात को दिया गया है ये गुजरात अगर मैं सही हूं तो एक बार हां करते जाएं दूसरा रैंक जो दिया गया है ये महाराष्ट्र को दिया गया है और तीसरा रैंक जो दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों ये तमिलनाडु को दिया गया है ये पॉइंट आप याद रखोगे ये कौन सी है कोस्टल स्टेट है तो ये पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि तटीय राज्यों में कौन सी रैंकिंग है तो तटीय राज्यों में इस प्रकार से तटीय राज्यों को यहां पर शामिल किया गया और तटीय राज्यों को इस प्रकार से इनको रैंकिंग दी गई है दूसरा आपसे पूछ सकता है

उस भारत में वो राज्य जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगी हुई हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगी हुई हैं जो कैसे हैं लैंड लॉक्ड है लैंड लॉक्ड का मीनिंग हुआ जैसे देखो आप यूपी है तो यूपी कैसा है भैया लैंड लॉक्ड है एमपी है तो एमपी कैसा है भैया लैंड लैंडलॉक है आप देख रहे हो हरियाणा है हरियाणा कैसा है भैया लैंड लैंडलॉकड है ये सारे के सारे जो बीच वाला एरिया है हमारा जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगी हैं ये पूरा ही लैंड लैंडलॉकड है अब लैंड लॉक कंट्री में स्टेट में देखोगे तो इसमें नंबर वन जो स्टेट है ये राजस्थान की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है मतलब नंबर वन स्थान दिया गया है राजस्थान को इसमें नंबर वन स्थान जो है ये राजस्थान को दिया गया है राजस्थान इसको नंबर वन है क्योंकि राजस्थान भी कैसा है वो लैंड लॉकड है क्योंकि राजस्थान की भी सीमाएं जो है

तीसरा एमोंग द हिमालयन स्टेट अब आपको पूरा न्यूज़ पढ़ना है ध्यान से हिमालयन स्टेट ऐसे राज्य जो हिमालयी क्षेत्र वाले हैं या हिमालयन स्टेट में जो राज्य हैं हिमालयन रीजन में जो राज्य हैं उनमें नंबर वन स्थान किसका है तो उत्तराखंड इज द हाइएस्ट फॉलोड वाई उत्तराखंड की जो रैंकिंग है ये नंबर वन है ये आपको इसमें याद रखनी है तो आपके सामने उत्तराखंड जो है ये नंबर वन आता है इसके बाद सेकंड नंबर पे त्रिपुरा है और इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश एचपी ये थर्ड नंबर पे आता है इसके बाद यू की बात करोगे कि यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं यूटी में तो दिल्ली का नंबर नंबर वन स्थान है इसके बाद गोवा आता है और इसके बाद चंडीगढ़ आता है अब रिपोर्ट आपको पूरी याद करनी पड़ेगी क्योंकि तब तक तो यूपीएससी में तो काम नहीं चलने वाला नहीं तो भैया तैयारी छोड़ दो आपकी मर्जी है आप जानो आपका काम जाने लेकिन यूपीएससी तो भैया पूछेगी अब पूछेगी तो आपको याद करना पड़ेगा कांस्टेबल तो बनना चाह नहीं रहे हो तो जब तैयारी करते हो तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान भी रखा करो ये आपके सामने मैंने कहा कि चार सेक्शन इसके यहाँ पर हो जाएंगे पहला के जो कोस्टल एरियाज हैं इसमें नंबर वन कौन हो गई गुजरात हो गई दूसरा कि जो ऐसे लैंड लॉकड हैं मतलब जो लैंड से लॉकड है जिनका एरिया जो है बेसिकली समुद्र से टच नहीं करता अब ये क्यों कैटेगरी बनाई गई क्योंकि जिनका कोस्टल एरिया है उनके पास सी रूट हैं उनके पास पोर्ट हैं उनके पास बंदरगाह हैं जो लैंड लॉक है इसमें नंबर वन कंट्री कौन सा है इसमें स्टेट कौन सा है राजस्थान को रखा गया ये आप याद रखोगे राजस्थान जो है वो नंबर वन है अगर नंबर वन याद कर लो तभी भी ठीक है तीसरा हमने कहा कि हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की यूटी की तो हमने पॉइंट दिया दिल्ली दिल्ली क्या है ये दिल्ली कैसी है भाई ये नंबर वन है डेली इज द नंबर वन आगे हमने बात की थी कि हम बात करेंगे हिमालयन हिमालयन जो रीजन है हिमालय रीजन में हमने कौन सा था? रीजन का था, कौन सा सा स्टेट स्टेट था 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 रीजन का फॉलोड उत्तराखंड उत्तराखंड बेस्ट था यूके उत्तराखंड जो है ये हिमालयन रीजन का सबसे बेस्ट स्टेट है तो ये आपको चार पॉइंट यहां पर देखने होंगे कि दिल्ली जो है यूटी में उत्तराखंड जो है अब देखो याद करने का तरीका बता देता हूं तो उत्तराखंड अगर आपसे जाओगे तो उत्तराखंड वैसे भी लगता है कि यूके है यूनाइटेड किंगडम जैसी फीलिंग आती है उत्तराखंड को देख कर तो आपको याद हो जाएगा दिल्ली देखो वैसे भी सबसे ज़्यादा विकसित यूटी है आपको याद हो जाएगा हाँ राजस्थान ने यहाँ पर कमाल कर दिया है और बाकी गुजरात तो आप जानते हैं नंबर वन होना ही था तो आपको मुझे लगता है कि कंफ्यूजन इसमें होगा नहीं आप इस रिपोर्ट को देख लोगे इस रिपोर्ट को आप याद कर लोगे भारतीय अर्थव्यवस्था को मंजू जो है मजबूत करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर थी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पटेटिवनेस इंडिया के बारे में बताया गया है कि कंडक्ट करता है इंडिजिनियस रिसर्च के बारे में बात करता है गुरुग्राम में है ये नीति आयोग के बारे में बता रखा है कि नीति आयोग की स्थापना प्लानिंग कमीशन को हटाने के बाद नीति आयोग की स्थापना की गई थी एक जनवरी 2015 को आप सभी जानते हैं नीति आयोग में एक सी होते हैं नीति आयोग में जिसके अध्यक्ष होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं तो नीति आयोग जो है ये क्या करता है इंडिया में रिसर्च करता है जितने भी पॉलिसी मेकिंग होती है उसको करता है इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं ये आप जानते ही स्ट्रक्चर आप देखोगे इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं दूसरे जिन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जिस समय राजीव कुमार हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन तीसरा इसके एक एक आपने और सुना होगा जिसे बोलते हैं सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं वो भी आप याद रखोगे गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे राज्यों के और गवर्नर से यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर होते हैं यूटी के वो भी इसके सदस्य होते हैं तो बिल्कुल प्लानिंग कमीशन के बाद ये मोदी सरकार ने बनाया है नीति आयोग और नीति आयोग का मीनिंग ही सिंपल सा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में क्या करेगा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और पॉलिसीज को बनाएगा उसी के लिए काम करता है ये आपको समझना होगा ये सब इसमें बताया गया आप पढ़ लेना एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन होंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा और वर्तमान में कौन है अमिताभ कांत है श्री अमिताभ कांत इसके वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीईओ है ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भारत श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम वॉज लॉन्च बाई भारत श्रेष्ठ भारत परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी आपको उत्तर देना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है भाई ये आपको बताना है प्लीज जल्दी से उत्तर दीजिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी जल्दी से आंसर दीजिए आप में से 10-11 बच्चे लास्ट तक देते रहते हैं मुझे काफी अच्छा भी लगता है लेकिन और बच्चों को बुलाया कीजिए और अपने साथियों के साथ चर्चा किया करो एक काम किया करो कि जिन्होंने न्यूज सुबह छह बजे पढ़े हो उनसे डिस्कशन किया करो कि चल इसका आंसर बता तो देखो अब ये नीति आयोग आपको क्या लगेगा मैं बहुत पहले से कहता हूं मैं बहुत पहले से एक बात कहते आया हूं कि करंट अफेयर्स में लोग कहते हैं कि यूपीएससी का पेपर यूपीएससी पूरा करंट अफेयर्स पूछ रही है अभी तो पूरा करंट अफेयर्स अगर पूछ रही है तो अगर प्रश्न पूछ लेगी वो एनजीटी से तो आप क्या कहोगे करंट अफेयर है ना आप कहोगे स्टैटिक पूछ लिया जीके पूछ ली वो क्वेश्चन पूछ लेगी नीति आयोग से तो आप कहोगे ये ये तो ये पूछ लिया करंट आपको ही पूछेगी करंट ही काम की चीज है करंट में से जीके निकलती है अगर आर्टिकल ट्वेंटी को रिलेट उसने कर दिया ना अगर अभी पर्यावरण के साथ तो हालत खराब हो जाएगी तो वही वही सारी चीजें उसको पूछनी है वही सारी चीजें उसको पूछनी भी चाहिए एक्चुअली में एक भारत श्रेष्ठ भारत परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है आपको उत्तर देना है ये ऑब्जेक्टिव सा प्रश्न है देखते हैं इसका आंसर ए है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है इसकी 31 अक्टूबर दो हजार पंद्रह को आइए जानते हैं ये क्या है उत्पत्ति कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री दो हजार पंद्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सौ चालीसवीं जयंती पर की थी इसके बाद केंद्रीय बजट दो हजार सोलह सत्रह में इसकी पहल की घोषणा की गई देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सौ चालीसवीं जयंती पर क्योंकि आप ये जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लिए कहा जाता है कि भारत को एक करने वाला व्यक्ति एक भारत श्रेष्ठ भारत के इंडिया को जो यूनियन का रूप दिया या इंडिया को जो शामिल किया है जो इंडिया का जो स्ट्रक्चरिंग जो इंडिया की

अब देखते हैं क्या है उद्देश्य क्या है आपसी तालमेल को बढ़ावा देना जो आपसी तालमेल है इंडिया की बहुत सिंपल इंडिया की इंटीग्रिटी को इंडिया की फर्टेनिटी को मजबूत करना यही इसका टारगेट है आपसी तालमेल को बढ़ावा देना इस प्रकार विभिन्न राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों के बीच मजबूत भारत को सुरक्षित करना मैंने आपसे क्या कहा इंडिया की इंटीग्रिटी और इंडिया की फर्टनिटी को मजबूत करना इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी और फर्टेनिटी जो प्रेमबल के हमारे कॉन्सेप्ट है उन्हें मजबूत करना एक भारत बनाना एक एकता लेके आना यूनिटी लेके आना इंटीग्रिटी लेके आना और फर्टेनिटी को मजबूत करना भाईचारे को मजबूत करना एक भारत श्रेष्ठ भारत अब ये होगा कैसे क्योंकि हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है और हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है तो डाइवर्सिफाइड कंट्री में हमें क्या करना होगा कि वैल्यूज़ को हमें महत्व तो देना होगा मतलब अगर मैं भाई काला हूं दूसरा गोरा है तीसरा और काला है चौथा और गोरा है पांचवा जो है उसके अलग बाल हैं छठवें के अलग बाल हैं तो मैं जब तक यूँ नहीं कहूँगा कि ये गोरे वाले बहुत अच्छे काले वाले ही बहुत अच्छे ये बाल वाले ही बहुत अच्छे तो पर्सनल वैल्यूज़ को हमें क्या होना है इंपॉर्टेंस देना होता है और पर्सनल वैल्यूज़ को जब रेस्पेक्ट देते हैं तो अपनी यहाँ फर्टिनिटी मजबूत होती चली जाती है वही इस कॉन्सेप्ट में किया जा रहा है कि भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत का मीनिंग हुआ कि भारत का जो टोटल डाइवर्स कल्चर है उसको एक करोड़ लाकर और लोगों को क्या करो कि उस डाइवर्सिफाई कल्चर का वैल्यू समझाओ और चीज़ों को क्या करो शेयर करो अगर कश्मीर का मेरा भाई अगर यूपी में आए और यूपी में आकर अगर आप कश्मीर के कल्चर को यूपी में दिखाते हो या ऐसी चीज़ें आप आयोजित करते हो तो कश्मीर के प्रति यूपी के लोगों का एक एक मा, मा, भावनात्मक लगाव बन जाएगा एक मनो मनोवैज्ञानिक लगाव बन जाएगा साइकोलॉजिकल एक कनेक्शन जुड़ जाएगा ऐसे राजस्थान से यूपी का यूपी से बिहार का एक कनेक्शन जुड़ जाता है इसके लिए क्या होता है कि कल्चरल बहुत सारे फेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप कोई मेंस में लिखोगे या कभी आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है तो आप ऐसे ही करोगे क्योंकि इसमें कल्चरल फेस्ट को कंडक्ट कराओगे पीपल टू पीपल मतलब लोगों से लोगों की मीट जो है उसे कंडक्ट कराओगे ये इंटरनेशनल में भी होता है और नेशनल में भी होता है क्योंकि भारत किसी नेशन से कम थोड़ी ना है इंटरनेशनल जैसा कंट्री है ठीक है तो इंडिया में भी क्या होगा पीपल टू पीपल मीट कंडक्ट होंगी कल्चरल शेयरिंग होगी ये सारी की सारी चीज़ें बहुत जरूरी हैं आइए देखते हैं इसमें क्या है

कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाएगा कि आप संस्कृति को साझा करो ये पहली बात है दूसरी बात है कि आगे बहुत सारी चीज़ें ट्रांसलेशन फाइव अवार्ड विनिंग बुक्स पाँच अवार्ड विनिंग जो बुक हैं इनका ट्रांसलेशन कराओ पोट्री का लैंग्वेज का बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं टू फॉस्टर स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये श्रीनगर एंड आईएचएम चेन्नई जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड एन ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर इसको एक ऑनलाइन प्रोग्राम रिसेंटली कंडक्ट कराया गया है फैसिनेटिंग फोक डांस ऑफ तमिलनाडु जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दिस वीक अभी रिसेंटली ये चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि अभी रिसेंटली एक फोक डांस कंडक्ट कराया गया है ऑनलाइन जिसमें तमिलनाडु तमिलनाडु जम्मू कश्मीर और कश्मीर लद्दाख जो है इसके लोगों को लेकर जो है इसे कंडक्ट कराया गया रिसेंटली जो है आई चेन्नई और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है स्टूडेंट फ्रॉम आई चेन्नई एंड थ्री स्टूडेंट फ्रॉम श्रीनगर श्रीनगर परफॉर्म्ड फोक डांस फॉर दिज पेड स्टेट अंडर ई बी एस बी मतलब बहुत सिंपल सा मतलब है इस बात का कि अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए रिसेंटली श्रीनगर के कुछ स्टूडेंट ने चेन्नई के विद्यार्थियों ने एक फीसट का कंडक्ट कराया एक फेस्टिवल कंडक्ट कराया मतलब एक ऑनलाइन एक प्रकार से एक ऑनलाइन प्रकार से उन्होंने एक ऑनलाइन में एक ऑर्गेनाइज किया है और वो क्या किया है कि उसमें लोगों ने आपस में जो है फॉक डांस को कंडक्ट कराया है तो आपको समझना सिर्फ यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या ये तो उसका एक कंपोनेंट है ये तो सब चलता रहता है तो रिसेंटली जो है ये हुआ है तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये तो कंडक्ट होते ही रहेंगे अभी आईएचएम ने करा दिया कभी कल को भी और कराएगा आपको समझना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या बस वही न्यूज़ आपको जाननी थी बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो सिंपल एक एक्टिविटी एक एक कर कंडक्ट कराई गई है ये एक्टिविटी है ये आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे लोग जो हैं क्या क्या डांस किया है इसमें क्या क्या चीज़ें कंडक्ट हुई हैं एक्शेंज प्रोग्राम ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स राइटर ऑफ पोइट के एक्सचेंड प्रोग्राम हुए क्योंकि कल्चरल के साथ साथ पोइट्री को भी एक्सचेंड करना बहुत जरूरी होता है चलिए अब पॉइंट पे आते हैं को तरह बढ़ाते हैं आगे कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एशियाटिक लॉइन नेचुर ओनली पहला स्टेटमेंट है कल का प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि एशिया का शेर स्वाभाविक रूप से केवल भारत में ही पाए जाते हैं आपको आंसर देना था कि एशिया के शेर स्वाभाविक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं ये सही है या गलत है आठ रह गए बाकी गए जल्दी बताओ भाई एशिया के शेर स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं सही है या गलत है ये बात सही है एशियाटिक शेर जो है ये नेचुरली इंडिया में पाए जाते हैं ये बात एकदम सही है देखोगे डबल हम्ड मतलब डबल कुवड़ का जो ऊंट है ये स्वाभाविक रूप से केवल भारत में पाया जाता है ये स्टेटमेंट गलत है डबल कुड़ का जो ऊंट है ये ज़्यादातर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर सर्दी बहुत होती है ये जो ज़्यादातर क्या होता है जहां पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है जैसे क्या हो गया चीन हो गई कजाकिस्तान हो गया या उस तरफ का जो एरिया है जहां जहां बहुत ठंडी पड़ने पड़ती है उस क्षेत्र में पाया जाता है तो डबल कुवर का जो ऊंट है ये इंडिया में नहीं ज़्यादातर मिलता है इंडिया के एक जगह पर मिलता है लद्दाख वगैरह में देखने के लिए मिलता है तो इंडिया में नेचुरली इंडिया इसका प्लेस जो नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा गलत हो जाएगा एक सिंग वाला गैडा से केवल भारत में पाया जाता है बिल्कुल सही है जो वन हॉर्न जो रायोज होते हैं ये रायोसोरस ये इंडिया में पाए जाते हैं ये बात एकदम सही है तो स्टेटमेंट जो हो गए ये फर्स्ट और थर्ड जो है सही है इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी होगा पहला और तीसरा कथन जो है सही है ये आपको याद रखना डबल कुवर का ऊंट जो है ये ठंडे स्थानों में मिलता है स्वाभाविक रूप से भारत में नहीं है इंडिया में कहा मिलता है तो आप कह सकते हो कि इंडिया में सर ये लद्दाख में इंडिया में जो है इसको देखने के लिए मिलता है लद्दाख में जो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा उस पूरे एरिया में आप इसे देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है कार्बन निषेचन का सबसे अच्छा वर्णन करता है आपको बताना है कि कार्बन निषेचन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है ये आज हिंदी में लिख दिया है प्रश्न को कल इसके बारे में बात करते हैं कि कार्बन निषेचन जो है ये क्या है इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों कल की क्लास में हम इसके बारे में पूरा पूरा डिस्कस करेंगे और कल के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे कि कार्बन एक्सीजन क्या है ठीक है मिलते हैं कल की क्लास में बाबा नमस्कार जय हिंद एक बार लाइक कर देना शेयर कर देना सारे के सारे लोग सेशन को